हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री टू फिल्म के बारे में। स्त्री टू फिल्म के बारे में बात की जाए, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है। यह मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स पांचवी किस्त और स्त्री 2018 की अगली कड़ी के रूप में कार्य करती है। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना है। कहानी दोस्तों के एक समूह का अनुसरण करती है जिन्हें चंदेरी की महिलाओं को करने वाली एक दुष्ट इकाई को हराना होगा। इस फिल्म में कौशिक ने पहली बार अक्टूबर 2018 में स्त्री सिक्सुअल को विकसित करने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2022 तक राव ने पुष्टि किया कि परियोजना विकास में, हालांकि मूल लेखक और निर्माता राज और डीके अब इसमें शामिल नहीं है और इन्होंने फ्रेंचाइजी के अधिकारों को लेकर विवाद पर निर्माता दिनेश विजयन के साथ अलग हो गए थे। नतीजन भट्ट ने लेखक के रूप में पदभार संभाला। सिक्सुअल की अधिकारी घोषणा विजयन और ज्योतिषी पांडे ने अप्रैल 2023 में की थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी वर्ष जुलाई में शुरू हुई, जो मुख्य रूप से चंदेरी और बिहार में हुई और 2024 के मध्य तक समाप्त हो गई। फिल्म में सचिन जीगर द्वारा रचित और एक संगीत स्कोर जिसमें जस्टिन वर्गीस और यास फिल्म अतिरिक्त के प्रकार की और इन्होंने इस फिल्म में 2023 की थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी वर्ष जुलाई शुरू में हुई थी और मुख्य रूप से चंदेरी और बिहार में हुई थी और 2024 के मध्य तक समाप्त हो गई। फिल्म में सचिन जीगर द्वारा रचित एक संगीत स्कोर जिसमें जस्टिन वर्गीस का अतिरिक्त स्कोरिंग छायांकन जिष्णु भट्टाचार्य द्वारा किया गया था और संपादन हेमंती सरकार द्वारा संभाला गया था। स्त्री टू को 15 अगस्त 2024 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म ने दुनिया भर में इसे 792 करोड़ से अधिक कमाई की है और सारी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और साथ ही यह अब तक की 7वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और 11वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इस फिल्म में राजकुमार राव 31 अगस्त 1984 एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2010 में अब तक की 30 से अधिक फिल्मों में काम किया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है। 2017 में वह फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी की सह सूची में शामिल हुए और उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लव सक्सेस और धोखा 2010 अपने अभिनय की शुरुआत की और गैंग ऑफ वासुपुर भाग 2 और तलाश द आंसर लाइज विद इन दोनों 2012 फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई। 2013 में उन्हें ड्रामा कई पहुंचे और शायद में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अभिनय के साथ सफलता मिली। बाद में वह वकील सईद आजामी की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स पुरस्कार मिला। राव करियर क्वीन 2014, अलीगढ़ 2015 और बरेली की बर्फी 2017 में सहायक भूमिकाओं के साथ आगे बढ़ा, जिसमें बाद वाले ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने स्वतंत्र फिल्मों ट्रिप्ड 2016 और न्यूटन 2017 में मुख्य भूमिकाएं निभाई, जिसमें पूर्व ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया और बाद वाले ने उन्हें एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड दिलाया। राव को उस समय तक की सबसे बड़ी सफलता हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 और 2018 में मिली और थी और वेंग द क्वाइट टाइगर 2021 में उनकी पहली अंग्रेजी फिल्म भूमिका थी। लूडो 2020, मोनिका ओ माई डार्लिंग 2022 और भेड़ 2023 में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए और अधिक प्रशंसा मिली। खराब प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में से एक श्रृंखला के बाद उन्होंने 2024 में बायोपिक श्रीकांत में शीर्षक भूमिका निभाकर और सिक्सुअल स्त्री 2 में अपनी भूमिका को दोहराकर व्यावसायिक सफलता हासिल की, जिसमें से वे बाद वाली उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज के रूप में शुमार थी और रात का विवाह अभिनेत्री पत्रलेखा पॉल से हुआ था। उन्होंने राजकुमार राव का जन्म राजकुमार राव आदव के रूप में इसे 31 अगस्त 1984 को प्रेमनगर गुड़गांव हरियाणा भारत में हुआ था। उनके विस्तारित परिवार में उनके 2 बड़े भाई बहन और 3 चचेरे भाई थे। उनके पिता सत्य प्रकाश आदव हरियाणा राजस्व विभाग में एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी माँ कमलेश यादव एक गृहिणी थी। उनकी माँ और पिता की मृत्यु क्रमशः 2016 और
2019 में हुई थी। उन्होंने एसएन सिद्धार्थेश्वर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में अपनी 12वीं की पढ़ाई की पूरी की, जहां उन्होंने स्कूल में नाटकों में भाग लिया। उन्होंने आत्मराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वे एक साथ शिक्षित थिएटर ग्रुप और दिल्ली में श्री राम सेंटर के साथ थिएटर कर रहे थे। राव ने कहा कि उन्होंने मनोज बाजपेयी को देखने और उनके प्रदर्शन से काफ़ी प्रभावित होने के बाद वो अभिनेता बनने फैसला किया। उन्होंने 2008 में उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में 2 साल के अभिनय पाठ्यक्रम में दाखिला लिया और फिल्मी करियर बनने के लिए मुंबई चले गए। राव शाकाहारी और उन्होंने 2014 में अपना उपनाम यादव से बदलकर राव कर लिया गया और अपने नाम से एक अतिरिक्त MD भी जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका कारण यह था कि राव या यादव में दोनों में से कोई भी उपनाम इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ही परिवार नाम, जहां तक कि अपने नाम में दोहरे M की बात की, या मेरी माँ के लिए वह अंकशास्त्र में विश्वास करती है। उन्होंने औपचारिक रूप से ताइवान्डो की प्रशिक्षण ली और राव 2010 से अभिनेत्री पत्रलेखा पॉल के साथ रिश्ते में थे। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ में उनसे शादी की थी और 2008 में उन्हें FTII स्नातक होने के बाद राव ने अगला साल स्टूडियो में जाकर और कास्टिंग निर्देशकों से मिलते हुए बताया कि उन्होंने राम गोपाल वर्मा की 2010 की राजनीतिक थ्रिलर रन में एक समाचार पाठक के रूप में एक छोटी बिना सिरे की उपस्थिति दर्ज की अखबार के विज्ञापन में पढ़ने के बाद जिसमें उल्लेख किया गया था कि दिवाकर बनर्जी अपनी फाउंड फुटेज एंथोलॉजी फिल्म लव सक्सेस और धोखा 2010 के लिए नए लोगों की तलाश कर रहे थे। उन्होंने फिल्म के लिए ऑडिशन को और उनका यह चयन हो गया था। फिल्म में 3 कहानियों राव दूसरी कहानी में नेहा चौहान के साथ दिखाई देते हैं। उन्होंने आदर्श का किरदार निभाया, जो एक सुपरमार्केट सुपरवाइजर है जो एक कर्मचारी को अपने साथ सोने के लिए मजबूर करता है ताकि वह स्क्रिप्ट को छिपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड कर सके और बच सके। अपनी पहली फिल्म की सफलता के बाद निर्माता एकता कपूर ने राव को फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म रागिनी SMS के द्वारा मुख्य भूमिका की पेशकश की। वह शुरू में इसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि वह उनके पिछले काम के समान लग रहा था, लेकिन उन्होंने कास्टिंग निर्देशक अतुल मंगिया के आग्रह पर एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और प्रतिकूल आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उनकी अगली रिलीज विजय नाम्बियार की क्राइम थ्रिलर शैतान 2011 थी, जिसमें उन्होंने एक घिनौने पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। राजा सेन, जो फिल्म के आलोचक थे, ने राव के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उन्हें विश्वसनीय रूप से भयानक कहा गया और निर्देशक अनुराग कश्यप ने लव सक्सेस और धोखा में राव के प्रदर्शन को पसंद किया था और उन्हें गैंग ऑफ वासुपुर भाग 2 में कास्ट किया गया था, जो उनकी अपराध फिल्म गैंग ऑफ वासुपुर भाग 1 को अनुवर्ती था। उन्होंने शमशाद आलम की सहायक भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने अपने उच्चारण और चरित्र की सही करने के लिए उन्हें वासुपुर का दौरा किया गया। फिल्म का आलोचनात्मक और वित्तीय सफलता थी। उनकी अगली भूमिका वेदव्रत पेन और ऐतिहासिक नाटक चटगांव 2012 में स्वतंत्रता कार्यकर्ता लोकनाथ बल की थी, जो चटगांव शास्त्रागार छापे पर आधारित थी। वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज रीमा कागती को सस्पेंस थ्रिलर तलाश द आंसर लाइज विदिन थी और आमिर खान, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शेरनाज पटेल अभिनीत इस फिल्म को दुनिया भर में 1.74 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह साल की 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। राजीव मंसद ने टिप्पणी की कि सिर्फ एक दृश्य में राव ने दिखाया कि अच्छा अभिनेता एक छोटे से हिस्से में भी क्या ला सकता है। अभिषेक कपूर की सामाजिक ड्रामा फिल्म काई पोचे 2013 राव की 2013 में पहली फिल्म थी। सुशांत सिंह राजपूत और अमित साध द्वारा सह अभिनीत यह फिल्म चेतन भगत की 2008 के उपन्यास द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित है। यह फिल्म भारत में 22 फरवरी 2013 को रिलीज हुई थी और इसे मुख्य भूमिकाओं के लिए प्रशंसा के साथ साथ आलोचकों को भी प्रशंसा मिली। डेक्कन हेराल्ड की शिल्पा जामखंडीकर ने महसूस किया कि वे
राव ने अलग हटकर भूमिका निभाई और खूबसूरती से भूमिका निभाई। राव को फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। 2013 में वह हंसल मेहता द्वारा निर्देशित जीवनी पर आधारित ड्रामा शहीद में भी दिखाई दी, जहां उन्होंने दिवंगत वकील शहीद आजमी की शीर्षक भूमिका निभाई। और भूमिका तैयारी के लिए राव ने आजमी के परिवार से मुलाकात की और उनके साथ समय बिताई ताकि वे उस व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व को समझ सके। उन्होंने कुरान का भी अध्ययन किया और यह समझने के लिए कोर्ट रूम में भाग लिया और वकील कि कैसे व्यवहार करते हैं वह भी उन्होंने सीखा। राव ने कहा कि भावनात्मक रूप से थक गए थे क्योंकि चरित्र चुनौतीपूर्ण और जटिल था। फिल्म और उनके प्रदर्शन इसलिए रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को राव की जीत का उनसे शाहिद में ताकत पीड़ा और नियंत्रित गुस्से के और उन्होंने इस फिल्म में कई प्रकार की अन्य भूमिका निभाई थी जो उनकी अन्य 2013 रिलीज कॉमेडी फिल्म बॉयज तो बॉयज थी। और 2013 में राव ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म के लिए 2013 में राव ने कॉमेडी ड्रामा क्वीन एक चालक मंगेतर की सहायक भूमिका निभाई। फिल्म का विश्व प्रीमियर बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था और इसे 7 मार्च 2014 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 970 मिलियन की कमाई की। एनडीटीवी की सबिल चटर्जी ने कहा कि राव घृणित रूढ़िवादी शहरी व्यक्ति की अपनी व्याख्या पर उल्लेखनीय संयम लाते हैं जो अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता। उसी वर्ष उन्होंने श्लोका शर्मा द्वारा निर्देशित बॉम्ब मिरर नामक एक लघु फिल्म में विजय मौर्य के साथ अभिनय किया। उन्होंने मेहता के साथ उनकी ड्रामा फिल्म सिटी लाइट्स में उनके सहयोग किया गया। पत्रलेखा पॉल की सह कलाकार फिल्म राजस्थान के लिए गरीब किसान परिवार की कहानी बताती है जो आजीविका की तलाश में मुंबई आता है। भूमिका की तैयारी के लिए राव के एक महीने के लिए राजस्थान की पाली जिले के छोटे शहर के सादरी में रहे पूछ मूछें बढ़ाई गई और बोली से अच्छी तरह से वाफिक की प्रशंसा। हिंदुस्तान टाइम्स की सविता कौशल ने लिखा है कि वह सहजता से भूमिका में ढल जाती है। यह एक मध्यम सफलता फिल्म स्त्री टू फिल्म की शुरुआत की बात कीजिए यह पिछली किस्त की अंतिम दृश्य से होती है और जहां स्त्री चंद्री फिर से प्रवेश करने वाली होती है वह शहर के प्रवेश द्वार खुद की एक मूर्ति देखती है जिस पर लिखा है कि वो स्त्री रक्षा करना ये नारी हमारी रक्षा करो और वहां से जाने का फैसला करती है। सालों बाद चंद्री को एक नए खतरे का सामना करना पड़ता है। सरकटा नामक एक सिरहीन भूत जो रात में महिलाओं का अपहरण करता है और उन्हें एक दुख स्वप्न वैकल्पिक आयाम ले जाता है और उन्हें उपस्थिति अनजान शहरवासी गलती से मान लेते हैं कि लापता महिलाएं बेहतर संभावनाओं के लिए चली गई है। विक्की अभी भी बिना नाम वाली लड़की से प्यार करता है जिसे सी के रूप से श्रेय दिया जाता है। अक्सर उसे अपने सामने प्रकट होने की कल्पना करता है। इस बीच रुद्र को एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें चंद्री पुराण के गुम हुए पृष्ठ और एक गुप्त संदेह होता है। वह आएगा। एक रात बिट्टू की प्रेमिका चिट्टी को सरकटा ले जाता है। अपहरण का गवाह एक नशेड़ी भिखारी भूत के अस्तित्व की पुष्टि करता है। विक्की बिट्टू और रुद्र चंद्री पुराण के फटे पन्नों की जांच करते हैं और सरकटा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सरकटा चंद्रवान की प्रतिशोधी आत्मा है जो एक पूर्व ग्राम प्रधान है जिसने स्त्री नामक एक वेश्या की हत्या कर दी थी। उसके पति का सिर काटकर उसे जिंदा जला दिया था। चंद्री से स्त्री के जाने के बाद सरकटा प्रतिशील महिलाओं को निशाना बनाने के लिए वापस आ गई और सरकटा को हराने के लिए उन्हें स्त्री की मदद की जरूरत है। यह महसूस करते हुए दोस्त दिल्ली में जाना की तलाश करते हुए जो कभी स्त्री के कब्जे में थी अपने चचेरे भाई भास्कर के साथ रह रहे जाना को उसने उनके द्वारा एक मंच नाटक के बहाने चंद्री वापस बुलाया है और उसे लेकिन जब उसे असली कारण पता चलता है कि तब वह अनिच्छा से सहायता करने के लिए सहमत होता है। पुराने किले में स्त्री की खोज करते समय सरकटा हमला करता है कि और लगभग जाना को मार डालता है जिसे वैकल्पिक आयाम के दर्शन होते हैं जहां अपहृत महिलाओं को बंदी बनाकर रखा जाता है। जाना को मरा हुआ मानकर जब वह
पुनर्जीवित होता है तो समूह चौंक जाता है और वे सरकट्टा का पीछा करते हुए किले के से बाल बाल बच निकलते हैं। जैसे ही सरकट्टा शहर में आतंक मचाती तो वह फिर से प्रकट होती है और स्त्री के बालों से जुड़ी चोटी को शक्तियों का उपयोग करके सरकट्टा से लड़कर समूह को बचाती है। डर में जी रही शहर की महिला विक्की को स्त्री को हराने का दोषी ठहराती है। वे विक्की पर नए खतरे की जिम्मेदारी लेने का दबाव डालते हैं और वह उसे समझाती है कि उसकी शुद्ध आत्मा उसे इस कार्य के लिए सही व्यक्ति बनाती है और वह विक्की को एक जादुई खंजर देती है और उसे सरकट्टा का सिर आधा काटने के लिए इसका इस्तेमाल करने का निर्देश देती है। सरकट्टा को फंसाने के लिए समूह समारुद्ध की प्रेमिका द्वारा एक नृत्य प्रदर्शन आयोजन करता है। प्रदर्शन के दौरान सरकट्टा प्रकट होता है लेकिन विक्की उसका सिर काटने में विफल रहता है। सरकट्टा तब विक्की रुद्र और जाना को छोड़कर मौजूद सभी पुरुषों को अपने वश में कर लेती है और इसके बाद सरकट्टा सामा को अपहरण कर लेती है और बिट्टू सहित वश में किए गए पुरुष शहरी की महिलाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। समाधान की तलाश में वह गुमनाम पत्र से मिले सुरा के अनुसार। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री टू फिल्म के बारे में। स्त्री टू फिल्म के बारे में बात की जाए, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है। यह मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स पांचवी किस्त और स्त्री 2018 की अगली कड़ी के रूप में कार्य करती है। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना है। कहानी दोस्तों के एक समूह का अनुसरण करती है जिन्हें चंदेरी की महिलाओं को अपहरण करने वाली एक दुष्ट इकाई को हराना होगा। इस फिल्म में कौशिक ने पहली बार अक्टूबर 2018 में स्त्री सिक्सुअल को विकसित करने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2022 तक राव ने पुष्टि किया कि परियोजना विकास में, हालांकि मूल लेखक और निर्माता राज और डीके अब इसमें शामिल नहीं है और इन्होंने फ्रेंचाइजी के अधिकारों को लेकर विवाद पर निर्माता दिनेश विजयन के साथ अलग हो गए थे। नतीजन भट्ट ने लेखक के रूप में पदभार संभाला। सिक्सवाल की अधिकारी घोषणा विजयन और ज्योतिषी देशपांडे ने अप्रैल 2023 में की थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी वर्ष जुलाई में शुरू हुई जो मुख्य रूप से चंदेरी और बिहार में हुई और 2024 के मध्य तक समाप्त हो गई। फिल्म में सचिन जीगर द्वारा रचित एक संगीत स्कोर जिसमें जस्टिन वर्गीस और यास फिल्म अतिरिक्त के प्रकार की और इन्होंने इस फिल्म में 2023 की थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी वर्ष जुलाई शुरू में हुई थी और मुख्य रूप से चंदेरी और बिहार में हुई थी और 2024 के मध्य तक समाप्त हो गई। फिल्म में सचिन जीगर द्वारा रचित एक संगीत स्कोर जिसमें जस्टिन वर्गीस का अतिरिक्त स्कोरिंग छायांकन जिष्णु भट्टाचार्य द्वारा किया गया था और संपादन हेमंती सरकार द्वारा संभाला गया था। स्त्री टू को 15 अगस्त 2024 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म ने दुनिया भर में इसे 792 करोड़ से अधिक कमाई की है और सरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और साथ ही यह अब तक की 7वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और 11वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इस फिल्म में राजकुमार राव 31 अगस्त 1984 एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2010 में अब तक की 30 से अधिक फिल्मों में काम किया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है। 2017 में वह फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी की सह सूची में शामिल हुए और उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लव सक्सेस और धोखा 2010 अपने अभिनय की शुरुआत की और गैंग ऑफ वासुपुर भाग 2 और तलाश द आंसर लाइज विद इन दोनों 2012 फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई। 2013 में उन्हें ड्रामा कई पहुंचे और शायद में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अभिनय के साथ सफलता मिली। बाद में वह वकील सईद आजामी की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स पुरस्कार मिला। राव करियर क्वीन 2014, अलीगढ़ 2015 और बरेली की बर्फी 2017 में सहायक भूमिकाओं के साथ आगे बढ़ा जिसमें बाद वाले ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने स्वतंत्र फिल्मों ट्रेड
ट्रिप 2016 और न्यूटन 2017 में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें पूर्व ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया और बाद वाले ने उन्हें एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड दिलाया। राव को उस समय तक की सबसे बड़ी सफलता हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 और 2018 में मिली और थी, और वेंग द क्वाइट टाइगर 2021 में उनकी पहली अंग्रेजी फिल्म भूमिका थी। लूडो 2020, मोनिका ओ माई डार्लिंग 2022 और भेड़ 2023 में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए और अधिक प्रशंसा मिली। खराब प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में से एक श्रृंखला के बाद उन्होंने 2024 में बायोपिक श्रीकांत में शीर्षक भूमिका निभाकर और सेक्सुअल स्त्री 2 में अपनी भूमिका को दोहराकर व्यावसायिक सफलता हासिल की, जिसमें से वे बाद वाली उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज के रूप में शुमार थी। और रात का विवाह अभिनेत्री पत्रलेखा पॉल से हुआ था। उन्होंने राजकुमार राव का जन्म राजकुमार राव आदव के रूप में इसे 31 अगस्त 1984 को प्रेमनगर गुड़गांव हरियाणा भारत में हुआ था। उनके विस्तारित परिवार में उनके दो बड़े भाई बहन और तीन चचेरे भाई थे। उनके पिता सत्य प्रकाश आदव हरियाणा राजस्व विभाग में एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी माँ कमलेश यादव एक गृहिणी थी। उनकी माँ और पिता की मृत्यु क्रमशः 2016 और 2019 में हुई थी। उन्होंने SN सिद्धार्थेश्वर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में अपनी 12वीं की पढ़ाई की पूरी की, जहां उन्होंने स्कूल में नाटकों में भाग लिया। उन्होंने आत्मराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वे एक साथ शिक्षित थिएटर ग्रुप और दिल्ली में श्री राम सेंटर के साथ थिएटर कर रहे थे। राव ने कहा कि उन्होंने मनोज बाजपेयी को देखने और उनके प्रदर्शन से काफ़ी प्रभावित होने के बाद वो अभिनेता बनने फैसला किया। उन्होंने 2008 में उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में 2 साल के अभिनय पाठ्यक्रम में दाखिला लिया और फिल्मी करियर बनने के लिए मुंबई चले गए। राव शाकाहारी और उन्होंने 2014 में अपना उपनाम यादव से बदलकर राव कर लिया गया और अपने नाम से एक अतिरिक्त MD भी जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका कारण यह था कि राव या यादव में दोनों में से कोई भी उपनाम इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ही परिवार नाम, जहां तक कि अपने नाम में दोहरे M की बात की, या मेरी माँ के लिए वह अंकशास्त्र में विश्वास करती है। उन्होंने औपचारिक रूप से ताइवान्डो की प्रशिक्षण लिया और राव 2010 से अभिनेत्री पत्रलेखा पॉल के साथ रिश्ते में थे। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ में उनसे शादी की थी और 2008 में उन्हें FTII स्नातक होने के बाद राव ने अगला साल स्टूडियो में जाकर और कास्टिंग निर्देशकों से मिलते हुए बताया कि उन्होंने राम गोपाल वर्मा की 2010 की राजनीतिक थ्रिलर रन में एक समाचार पाठक के रूप में एक छोटी बिना सिरे की उपस्थिति दर्ज की अखबार के विज्ञापन में पढ़ने के बाद जिसमें उल्लेख किया गया था कि दिवाकर बनर्जी अपनी फाउंड फुटेज एंथोलॉजी फिल्म लव सक्सेस और धोखा 2010 के लिए नए लोगों की तलाश कर रहे थे। उन्होंने फिल्म के लिए ऑडिशन को और उनका यह चयन हो गया था। फिल्म में 3 कहानियों राव दूसरी कहानी में नेहा चौहान के साथ दिखाई देते हैं। उन्होंने आदर्श का किरदार निभाया, जो एक सुपरमार्केट सुपरवाइजर है जो एक कर्मचारी को अपने साथ सोने के लिए मजबूर करता है ताकि वह इस कृत्य को छिपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड कर सके और बच सके। अपनी पहली फिल्म की सफलता के बाद निर्माता एकता कपूर ने राव को फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म रागिनी SMS के द्वारा मुख्य भूमिका की पेशकश की। वह शुरू में इसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि वह उनके पिछले काम के समान लग रहा था, लेकिन उन्होंने कास्टिंग निर्देशक अतुल मंगिया के आग्रह पर एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और प्रतिकूल आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उनकी अगली रिलीज विजय नाम्बियार की क्राइम थ्रिलर शैतान 2011 थी, जिसमें उन्होंने एक घिनौने पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। राजा सेन जो फिल्म के आलोचक थे ने राव के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उन्हें विश्वसनीय रूप से भयानक कहा गया और निर्देशक अनुराग कश्यप ने लव सक्सेस और धोखा में राव के प्रदर्शन को पसंद किया था और उन्हें गैंग ऑफ वासुपुर भाग 2 में कास्ट किया गया था, जो उनकी अपराध फिल्म गैंग ऑफ वासुपुर भाग 1 को अनुवर्ती था। उन्होंने शमशाद आलम की सहायक भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने अपने उच्चारण और चरित्र की सही करने के लिए उन्हें वासुपुर का दौरा किया गया। फिल्म का आलोचनात्मक
और वित्तीय सफलता थी। उनकी अगली भूमिका बेदवर्तपेन और ऐतिहासिक नाटक चटगांव 2012 में स्वतंत्रता कार्यकर्ता लोकनाथ बल की थी, जो चटगांव शास्त्रागार छापे पर आधारित थी। वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज रीमा काकती को सस्पेंस थ्रिलर तलाश द आंसर लाइज विदिन थी, और आमिर खान, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शेरनाज पटेल अभिनीत इस फिल्म को दुनिया भर में 1.74 मिलियन से अधिक की कमाई की, और यह साल की 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। राजीव मंसद ने टिप्पणी की कि सिर्फ एक दृश्य में राव ने दिखाया कि अच्छा अभिनेता एक छोटे से हिस्से में भी क्या ला सकता है। अभिषेक कपूर की सामाजिक ड्रामा फिल्म काई पोचे 2013 राव की 2013 में पहली फिल्म थी। सुशांत सिंह राजपूत और अमित शाह द्वारा सह अभिनीत यह फिल्म चेतन भगत की गुजरात के उपन्यास द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित है। यह फिल्म भारत में 22 फरवरी 2013 को रिलीज हुई थी और इसे मुख्य भूमिकाओं के लिए प्रशंसा के साथ साथ आलोचकों को भी प्रशंसा मिली। डेक्कन हेराल्ड की शिल्पा जामखंडीकर ने महसूस किया कि वे राव ने अलग हटकर भूमिका निभाई और खूबसूरती से भूमिका निभाई। राव को फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। 2013 में वह हंसल मेहता द्वारा निर्देशित जीवनी पर आधारित ड्रामा शहीद में भी दिखाई दी, जहां उन्होंने दिवंगत वकील शहीद आजमी की शीर्षक भूमिका निभाई। और भूमिका तैयारी के लिए राव ने आजमी के परिवार से मुलाकात की और उनके साथ समय बिताई ताकि वे उस व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व को समझ सके। उन्होंने कुरान का भी अध्ययन किया और यह समझने के लिए कोर्ट रूम में भाग लिया और वकील कि कैसे व्यवहार करते हैं वह भी उन्होंने सीखा। राव ने कहा कि भावनात्मक रूप से थक गए थे क्योंकि चरित्र चुनौतीपूर्ण और जटिल था। फिल्म और उनके प्रदर्शन इसलिए रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को राव की जीत का उनसे शाहिद में ताकत पीड़ा और नियंत्रित गुस्से के, और उन्होंने इस फिल्म में कई प्रकार की अन्य भूमिका निभाई थी जो उनकी अन्य 2013 रिलीज कॉमेडी फिल्म बॉयज तो बॉयज थी। और 2013 में राव ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म के लिए 2013 में राव ने कॉमेडी ड्रामा क्वीन एक चालक मंगेतर की सहायक भूमिका निभाई। फिल्म का विश्व प्रीमियर बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था और इसे 7 मार्च 2014 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 970 मिलियन की कमाई की। एनडीटीवी की सबिल चटर्जी ने कहा कि राव घृणित रूढ़िवादी शहरी व्यक्ति की अपनी व्याख्या पर उल्लेखनीय संयम लाते हैं जो अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता। उसी वर्ष उन्होंने श्लोका शर्मा द्वारा निर्देशित बॉम्ब मिरर नामक एक लघु फिल्म में विजय मौर्य के साथ अभिनय किया। उन्होंने मेहता के साथ उनकी ड्रामा फिल्म सिटी लाइट्स में उनके सहयोग किया गया। पत्रलेखा पॉल की सह कलाकार फिल्म राजस्थान के लिए गरीब किसान परिवार की कहानी बताती है जो आजीविका की तलाश में मुंबई आता है। भूमिका की तैयारी के लिए राव के एक महीने के लिए राजस्थान की पाली जिले के छोटे शहर के सादरी में रहे पूछ मूछें बढ़ाई गई और बोली से अच्छी तरह से वाफिक की प्रशंसा। हिंदुस्तान टाइम्स की सविता कौशल ने लिखा है कि वह सहजता से भूमिका में ढल जाती है। यह एक मध्यम सफलता फिल्म स्त्री टू फिल्म की शुरुआत की बात कीजिए, यह पिछली किस्त की अंतिम दृश्य होती है और जहां स्त्री चंद्री फिर से प्रवेश करने वाली होती है वह शहर के प्रवेश द्वार खुद की एक मूर्ति देखती है जिस पर लिखा है कि वो स्त्री रक्षा करना, ये नारी हमारी रक्षा करो, और वहां से जाने का फैसला करती है। सालों बाद चंद्री को एक नए खतरे का सामना करना पड़ता है। सरकटा नामक एक सिरहीन भूत जो रात में महिलाओं का अपहरण करता है और उन्हें एक दुख स्वप्न वैकल्पिक आयाम ले जाता है और उन्हें उपस्थिति अनजान शहरवासी गलती से मान लेते हैं कि लापता महिलाएं बेहतर संभावनाओं के लिए चली गई है। विक्की अभी भी बिना नाम वाली लड़की से प्यार करता है जिसे सी के रूप से श्रेय दिया जाता है, अक्सर उसे अपने सामने प्रकट होने की कल्पना करता है। इस बीच रुद्र को एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें चंद्री पुराण के गुम हुए पृष्ठ और एक गुप्त संदेह होता है। वो
आएगा वह आएगा। एक रात बिट्टू की प्रेमिका चिट्टी को सरकटा ले जाता है। अपहरण का गवाह एक नशेड़ी भिखारी भूत के अस्तित्व की पुष्टि करता है। विक्की बिट्टू और रुद्र चंदेरी पुराण के फटे पन्नों की जांच करते हैं और सरकटा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सरकटा चंद्रबान की प्रतिशोधी आत्मा है, जो एक पूर्व ग्राम प्रधान है जिसने स्त्री नामक एक वेश्या की हत्या कर दी थी। उसके पति का सिर काटकर उसे जिंदा जला दिया था। चंदेरी से स्त्री के जाने की बाद सरकटा प्रतिशील महिलाओं को निशाना बनाने के लिए वापस आ गई और सरकटा को हराने के लिए उन्हें स्त्री की मदद की जरूरत है। यह महसूस करते हुए दोस्त दिल्ली में जाना की तलाश करते हुए, जो कभी स्त्री के कब्जे में थी, अपने चचेरे भाई भास्कर के साथ रह रहे जाना को उसने उनके द्वारा एक मंच नाटक के बहाने चंदेरी वापस बुलाया है और उसे, लेकिन जब उसे असली कारण पता चलता है कि तब वह अनिच्छा से सहायता करने के लिए सहमत होता है। पुराने किले में स्त्री की खोज करते समय सरकटा हमला करता है कि और लगभग जाना को मार डालता है, जिसे वैकल्पिक आयाम के दर्शन होते हैं जहां अपहृत महिलाओं को बंदी बनाकर रखा जाता है। जाना को मरा हुआ मानकर जब वह पुनर्जीवित होता है तो समूह चौंक जाता है और वे सरकटा का पीछा करते हुए किले के से बाल बाल बच निकलते हैं। जैसे ही सरकटा शहर में आतंक मचाती तो वह फिर से प्रकट होती और स्त्री के बालों से जुड़ी चोटी को शक्तियों का उपयोग करके सरकटा से लड़कर समूह को बचाती है। डर में जी रही शहर की महिलाएं विक्की को स्त्री को हराने का दोषी ठहराती हुए विक्की पर नए खतरे की जिम्मेदारी लेने का दबाव डालते हैं और वह उसे समझाती है कि उसकी शुद्ध आत्मा उसे इस कार्य के लिए सही व्यक्ति बनाती है और वह विक्की को एक जादुई खंजर देती है और उसे सरकटा का सिर आधा काटने के लिए इसका इस्तेमाल करने का निर्देश देती है। सरकटा को फंसाने के लिए समूह समारुद्ध की प्रेमिका द्वारा एक नृत्य प्रदर्शन आयोजन करता है। प्रदर्शन के दौरान सरकटा प्रकट होता है लेकिन विक्की उसका सिर काटने में विफल रहता है। सरकटा तब विक्की रुद्र और जाना को छोड़कर मौजूद सभी पुरुषों को अपने वश में कर लेती है और इसके बाद सरकटा सामा को अपहरण कर लेती है और बिट्टू सहित वश में किए गए पुरुष शहरी की महिलाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। समाधान की तलाश में वह गुमनाम पत्र से मिले सुरा के अनुसार। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री टू फिल्म के बारे में। स्त्री टू फिल्म के बारे में बात की जाए, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है। यह मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स पांचवी किस्त और स्त्री 2018 की अगली कड़ी के रूप में कार्य करती है। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना है। कहानी दोस्तों के एक समूह का अनुसरण करती है जिन्हें चंदेरी की महिलाओं को अपहरण करने वाली एक दुष्ट इकाई को हराना होगा। इस फिल्म में कौशिक ने पहली बार अक्टूबर 2018 में स्त्री सेक्सुअल को विकसित करने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2022 तक राव ने पुष्टि किया की परियोजना विकास में, हालांकि मूल लेखक और निर्माता राज और डीके अब इसमें शामिल नहीं है और इन्होंने फ्रेंचाइजी के अधिकारों को लेकर विवाद पर निर्माता दिनेश विजयन के साथ अलग हो गए थे। नतीजन भट्ट ने लेखक के रूप में पदभार संभाला। सिक्सवाल की अधिकारी घोषणा विजयन और ज्योतिषी देशपांडे ने अप्रैल 2023 में की थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी वर्ष जुलाई में शुरू हुई, जो मुख्य रूप से चंदेरी और बिहार में हुई और 2024 के मध्य तक समाप्त हो गई। फिल्म में सचिन जीगर द्वारा रचित एक संगीत स्कोर जिसमें जस्टिन वर्गीस और या फिल्म अतिरिक्त के प्रकार की और इन्होंने इस फिल्म में 2023 की थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी वर्ष जुलाई शुरू में हुई थी और मुख्य रूप से चंदेरी और बिहार में हुई थी और 2024 के मध्य तक समाप्त हो गई। फिल्म में सचिन जीगर द्वारा रचित एक संगीत स्कोर जिसमें जस्टिन वर्गीस का अतिरिक्त स्कोरिंग छायांकन जिष्णु भट्टाचार्यजी द्वारा किया गया था और संपादन हेमंती सरकार द्वारा संभाला गया था। स्त्री टू को 15 अगस्त 2024 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म ने दुनिया भर में इसे 792 करोड़ से अधिक कमाई की है और सरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और साथ ही यह अब तक की सातवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और 11वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई।
इस फिल्म में राजकुमार राव 31 अगस्त 1984 एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2010 में अब तक की 30 से अधिक फिल्मों में काम किया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है। 2017 में वह फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी की सह सूची में शामिल हुए और उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लव सक्सेस और धोखा 2010 अपने अभिनय की शुरुआत की और गैंग ऑफ वासुपुर भाग 2 और तलाश द आंसर लाइज विद इन दोनों 2012 फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई। 2013 में उन्हें ड्रामा कई पहुंचे और शायद में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अभिनय के साथ सफलता मिली। बाद में वह वकील सईद आजामी की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स पुरस्कार मिला। राव करियर क्वीन 2014, अलीगढ़ 2015 और बरेली की बर्फी 2017 में सहायक भूमिकाओं के साथ आगे बढ़ा, जिसमें बाद वाले ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने स्वतंत्र फिल्मों ट्रिप्ड 2016 और न्यूटन 2017 में मुख्य भूमिकाएं निभाई, जिसमें पूर्व ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया और बाद वाले ने उन्हें एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड से दिलाया। राव को उस समय तक की सबसे बड़ी सफलता हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 और 2018 में मिली और थी और वेंग द क्वाइट टाइगर 2021 में उनकी पहली अंग्रेजी फिल्म भूमिका थी। लूडो 2020, मोनिका ओ माई डार्लिंग 2022 और भेड़ 2023 में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए और अधिक प्रशंसा मिली। खराब प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में से एक श्रृंखला के बाद उन्होंने 2024 में बायोपिक श्रीकांत में शीर्षक भूमिका निभाकर और सेक्सुअल स्त्री 2 में अपनी भूमिका को दोहराकर व्यावसायिक सफलता हासिल की, जिसमें से वे बाद वाली उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज के रूप में शुमार थी और रात का विवाह अभिनेत्री पत्रलेखा पॉल से हुआ था। उन्होंने राजकुमार राव का जन्म राजकुमार राव आदव के रूप में इसे 31 अगस्त 1984 को प्रेमनगर गुड़गांव हरियाणा भारत में हुआ था। उनके विस्तारित परिवार में उनके 2 बड़े भाई बहन और 3 चचेरे भाई थे। उनके पिता सत्य प्रकाश आदव हरियाणा राजस्व विभाग में एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी मां कमलेश यादव एक गृहिणी थी। उनकी मां और पिता की मृत्यु क्रमशः 2016 और 2019 में हुई थी। उन्होंने SN सिद्धार्थेश्वर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में अपनी 12वीं की पढ़ाई की पूरी की, जहां उन्होंने स्कूल में नाटकों में भाग लिया। उन्होंने आत्मराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वे एक साथ शिक्षित थिएटर ग्रुप और दिल्ली में श्री राम सेंटर के साथ थिएटर कर रहे थे। राव ने कहा कि उन्होंने मनोज बाजपेयी को देखने और उनके प्रदर्शन से काफ़ी प्रभावित होने के बाद वो अभिनेता बनने फैसला किया। उन्होंने 2008 में उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में 2 साल के अभिनय पाठ्यक्रम में दाखिला लिया और फिल्मी करियर बनने के लिए मुंबई चले गए। राव शाकाहारी और उन्होंने 2014 में अपना उपनाम यादव से बदलकर राव कर लिया गया और अपने नाम से एक अतिरिक्त MD भी जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका कारण यह था कि राव या यादव में दोनों में से कोई भी उपनाम इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ही परिवार नाम, जहां तक कि अपने नाम में दोहरे M की बात की, या मेरी मां के लिए वह अंकशास्त्र में विश्वास करती है। उन्होंने औपचारिक रूप से ताइवान्डो की प्रशिक्षण लिया और राव 2010 से अभिनेत्री पत्रलेखा पॉल के साथ रिश्ते में थे। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ में उनसे शादी की थी और 2008 में उन्हें FTII स्नातक होने के बाद राव ने अगला साल स्टूडियो में जाकर और कास्टिंग निर्देशकों से मिलते हुए बताया कि उन्होंने राम गोपाल वर्मा की 2010 की राजनीतिक थ्रिलर रन में एक समाचार पाठक के रूप में एक छोटी बिना सिरे की उपस्थिति दर्ज की अखबार के विज्ञापन में पढ़ने के बाद जिसमें उल्लेख किया गया था कि दिवाकर बनर्जी अपनी फाउंड फुटेज एंथोलॉजी फिल्म लव सक्सेस और धोखा 2010
के लिए नए लोगों की तलाश कर रहे थे। उन्होंने फिल्म के लिए ऑडिशन को और उनका यह चयन हो गया था। फिल्म में 3 कहानियों राव दूसरी कहानी में नेहा चौहान के साथ दिखाई देते हैं। उन्होंने आदर्श का किरदार निभाया जो एक सुपरमार्केट सुपरवाइजर है जो एक कर्मचारी को अपने साथ सोने के लिए मजबूर करता है ताकि वह इस कृत्य को छिपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड कर सके और बच सके। अपनी पहली फिल्म की सफलता के बाद निर्माता एकता कपूर ने राव को फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म रागिनी एसएमएस के द्वारा मुख्य भूमिका की पेशकश की। वह शुरू में इसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि वह उनके पिछले काम के समान लग रहा था, लेकिन उन्होंने कास्टिंग निर्देशक अतुल मंगिया के आग्रह पर एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और प्रतिकूल आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उनकी अगली रिलीज विजय नाम्बियार की क्राइम थ्रिलर शैतान 2011 थी जिसमें उन्होंने एक घिनौने पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। राजा सेन जो फिल्म के आलोचक थे ने राव के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उन्हें विश्वसनीय रूप से भयानक कहा गया और निर्देशक अनुराग कश्यप ने लव सक्सेस और धोखा में राव के प्रदर्शन को पसंद किया था और उन्हें गैंग ऑफ वासुपुर भाग 2 में कास्ट किया गया था जो उनकी अपराध फिल्म गैंग ऑफ वासुपुर भाग 1 को अनुवर्ती था। उन्होंने शमशाद आलम की सहायक भूमिका निभाई जिसके लिए उन्होंने अपने उच्चारण और चरित्र की सही करने के लिए उन्हें वासुपुर का दौरा किया गया। फिल्म का आलोचनात्मक और वित्तीय सफलता थी। उनकी अगली भूमिका बेदवर्त पेन और ऐतिहासिक नाटक चटगांव 2012 में स्वतंत्रता कार्यकर्ता लोकनाथ बल की थी जो चटगांव शास्त्रागार छापे पर आधारित थी। वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज रीमा कागती को सस्पेंस थ्रिलर तलाश द आंसर लाइज विद इन थी और आमिर खान रानी मुखर्जी करीना कपूर नवाउद्दीन सिद्दीकी और शेरनाज पटेल अभिनीत इस फिल्म को दुनिया भर में 1.74 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह साल की 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। राजीव मंसद ने टिप्पणी की कि सिर्फ एक दृश्य में राव ने दिखाया कि अच्छा अभिनेता एक छोटे से हिस्से में भी क्या ला सकता है। अभिषेक कपूर की सामाजिक ड्रामा फिल्म काई पोचे 2013 राव की 2013 में पहली फिल्म थी। सुशांत सिंह राजपूत और अमित साध द्वारा सह अभिनीत यह फिल्म चेतन भगत की गुजरात के उपन्यास द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित है। यह फिल्म भारत में 22 फरवरी 2013 को रिलीज हुई थी और इसे मुख्य भूमिकाओं के लिए प्रशंसा के साथ साथ आलोचकों को भी प्रशंसा मिली। डेक्कन हेराल्ड की शिल्पा जामखंडीकर ने महसूस किया कि वे राव ने अलग हटकर भूमिका निभाई और खूबसूरती से भूमिका निभाई। राव को फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। 2013 में वह हंसल मेहता द्वारा निर्देशित जीवनी पर आधारित ड्रामा शहीद में भी दिखाई दी जहां उन्होंने दिवंगत वकील शहीद आजमी की शीर्षक भूमिका निभाई और भूमिका तैयारी के लिए राव ने आजमी के परिवार से मुलाकात की और उनके साथ समय बिताई ताकि वे उस व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व को समझ सके। उन्होंने कुरान का भी अध्ययन किया और यह समझने के लिए कोर्ट रूम में भाग लिया और वकील कि कैसे व्यवहार करते हैं वह भी उन्होंने सीखा। राव ने कहा कि भावनात्मक रूप से थक गए थे क्योंकि चरित्र चुनौतीपूर्ण और जटिल था। फिल्म और उनके प्रदर्शन इसलिए रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को राव की जीत का उनसे शाहिद में ताकत पीड़ा और नियंत्रित गुस्से के और उन्होंने इस फिल्म में कई प्रकार की अन्य भूमिका निभाई थी जो उनकी अन्य 2013 रिलीज कॉमेडी फिल्म बॉयज तो बॉयज थी और 2013 में राव ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म के लिए 2013 में राव ने कॉमेडी ड्रामा क्वीन एक चालक मंगेतर की सहायक भूमिका निभाई। फिल्म का विश्व प्रीमियर बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था और इसे 7 मार्च 2014 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 970 मिलियन की कमाई की। एनडीटीवी की सबिल चटर्जी ने कहा कि राव घृणित रूढ़िवादी शहरी व्यक्ति की अपनी व्याख्या पर उल्लेखनीय संयम लाते हैं जो
अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता। उसी वर्ष उन्होंने श्लोका शर्मा द्वारा निर्देशित बॉम्ब मिरर नामक एक लघु फिल्म में विजय मौर्य के साथ अभिनय किया। उन्होंने मेहता के साथ उनकी ड्रामा फिल्म सिटी लाइट्स में उनके सहयोग किया गया। पत्रलेखा पॉल की सह कलाकार फिल्म राजस्थान के लिए गरीब किसान परिवार की कहानी बताती है जो आजीविका की तलाश में मुंबई आता है। भूमिका की तैयारी के लिए राव के एक महीने के लिए राजस्थान की पाली जिले के छोटे शहर के सादरी में रहे मूछें बढ़ाई गई और बोली से अच्छी तरह से वाफिक की प्रशंसा। हिंदुस्तान टाइम्स की सविता कौशल ने लिखा है कि वह सहजता से भूमिका में ढल जाती है, यह एक मध्यम सफलता। फिल्म स्त्री टू फिल्म की शुरुआत की बात कीजिए, यह पिछली किस्त की अंतिम दृश्य से होती है और जहां स्त्री चंद्री फिर से प्रवेश करने वाली होती है वह शहर के प्रवेश द्वार खुद की एक मूर्ति देखती है जिस पर लिखा है कि वो स्त्री रक्षा करना, ये नारी हमारी रक्षा करो, और वहां से जाने का फैसला करती है। सालों बाद चंद्री को एक नए खतरे का सामना करना पड़ता है, सरकटा नामक एक सिरहीन भूत जो रात में महिलाओं का अपहरण करता है और उन्हें एक दुख स्वप्न वैकल्पिक आयाम ले जाता है और उन्हें उपस्थिति अनजान शहरवासी गलती से मान लेते हैं कि लापता महिलाएं बेहतर संभावनाओं के लिए चली गई है। विक्की अभी भी बिना नाम वाली लड़की से प्यार करता है जिसे सी के रूप से श्रेय दिया जाता है, अक्सर उसे अपने सामने प्रकट होने की कल्पना करता है। इस बीच रुद्र को एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें चंद्री पुराण के गुम हुए पृष्ठ और एक गुप्त संदेह होता है। वह आएगा। एक रात बिट्टू की प्रेमिका चिट्टी को सरकटा ले जाता है। अपहरण का गवाह एक नशेड़ी भिखारी भूत के अस्तित्व की पुष्टि करता है। विक्की बिट्टू और रुद्र चंद्री पुराण के फटे पन्नों की जांच करते हैं और सरकटा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सरकटा चंद्रवान की प्रतिशोधी आत्मा है जो एक पूर्व ग्राम प्रधान है जिसने स्त्री नामक एक वेश्या की हत्या कर दी थी। उसके पति का सिर काटकर उसे जिंदा जला दिया था। चंदेरी से स्त्री के जाने के बाद सरकटा प्रतिशील महिलाओं को निशाना बनाने के लिए वापस आ गई और सरकटा को हराने के लिए उन्हें स्त्री की मदद की जरूरत है। यह महसूस करते हुए दोस्त दिल्ली में जाना की तलाश करते हुए जो कभी स्त्री के कब्जे में थी अपने चचेरे भाई भास्कर के साथ रह रहे जाना को उसने उनके द्वारा एक मंच नाटक के बहाने चंद्री वापस बुलाया है और उसे, लेकिन जब उसे असली कारण पता चलता है कि तब वह अनिच्छा से सहायता करने के लिए सहमत होता है। पुराने किले में स्त्री की खोज करते समय सरकटा हमला करता है कि और लगभग जाना को मार डालता है जिसे वैकल्पिक आयाम के दर्शन होते हैं जहां अपहृत महिलाओं को बंदी बनाकर रखा जाता है। जाना को मरा हुआ मानकर जब वह पुनर्जीवित होता है तो समूह चौंक जाता है और वे सरकटा का पीछा करते हुए किले के से बाल बाल बच निकलते हैं। जैसे ही सरकटा शहर में आतंक मचाती तो वह फिर से प्रकट होती है और स्त्री के बालों से जुड़ी चोटी को शक्तियों का उपयोग करके सरकटा से लड़कर समूह को बचाती है। डर में जी रही शहर की महिलाएं विक्की को स्त्री को हराने का दोषी ठहराती हुए विक्की पर नए खतरे की जिम्मेदारी लेने का दबाव डालते हैं और वह उसे समझाती है कि उसकी शुद्ध आत्मा उसे इस कार्य के लिए सही व्यक्ति बनाती है और वह विक्की को एक जादुई खंजर देती है और उसे सरकटा का सिर आधा काटने के लिए इसका इस्तेमाल करने का निर्देश देती है। सरकटा को फंसाने के लिए समूह समारुद्ध की प्रेमिका द्वारा एक नृत्य प्रदर्शन आयोजन करता है। प्रदर्शन के दौरान सरकटा प्रकट होता है लेकिन विक्की उसका सिर काटने में विफल रहता है। सरकटा तब विक्की रुद्र और जाना को छोड़कर मौजूद सभी पुरुषों को अपने वश में कर लेती है और इसके बाद सरकटा सामा को अपहरण कर लेती है और बिट्टू सहित वश में किए गए पुरुष शहरी की महिलाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। समाधान की तलाश में वह गुमनाम पत्र से मिले सुराग के अनुसार। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री टू फिल्म के बारे में। स्त्री टू फिल्म के बारे में बात की जाए, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है। यह मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स पांचवी किस्त और स्त्री 2018 की अगली कड़ी के रूप में कार्य करती है। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना है। कहानी दोस्तों के एक समूह का अनुसरण करती है जिन्हें चंदेरी की महिलाओं को अपहरण
करने वाली एक दुष्ट इकाई को हराना होगा। इस फिल्म में कौशिक ने पहली बार अक्टूबर 2018 में स्त्री सिक्सुअल को विकसित करने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2022 तक राव ने पुष्टि किया कि परियोजना विकास में, हालांकि मूल लेखक और निर्माता राज और डीके अब इसमें शामिल नहीं है और इन्होंने फ्रेंचाइजी के अधिकारों को लेकर विवाद पर निर्माता दिनेश विजयन के साथ अलग हो गए थे। नतीजन भट्ट ने लेखक के रूप में पदभार संभाला। सिक्सवाल की अधिकारी घोषणा विजयन और ज्योतिषी देशपांडे ने अप्रैल 2023 में की थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी वर्ष जुलाई में शुरू हुई, जो मुख्य रूप से चंदेरी और बिहार में हुई और 2024 के मध्य तक समाप्त हो गई। फिल्म में सचिन जिगर द्वारा रचित और एक संगीत स्कोर जिसमें जस्टिन वर्गीस और यास फिल्म अतिरिक्त के प्रकार की और इन्होंने इस फिल्म में 2023 की थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी वर्ष जुलाई शुरू में हुई थी और मुख्य रूप से चंदेरी और बिहार में हुई थी और 2024 के मध्य तक समाप्त हो गई। फिल्म में सचिन जिगर द्वारा रचित एक संगीत स्कोर जिसमें जस्टिन वर्गीस का अतिरिक्त स्कोरिंग छायांकन जिष्णु भट्टाचार्य द्वारा किया गया था और संपादन हेमंती सरकार द्वारा संभाला गया था। स्त्री 2 को 15 अगस्त 2024 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म ने दुनिया भर में इसे 792 करोड़ से अधिक कमाई की है और सरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और साथ ही यह अब तक की 7वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और 11वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इस फिल्म में राजकुमार राव 31 अगस्त 1984 एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2010 में अब तक की 30 से अधिक फिल्मों में काम किया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है। 2017 में वह फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी की सह सूची में शामिल हुए और उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लव सक्सेस और धोखा 2010 अपने अभिनय की शुरुआत की और गैंग ऑफ वासुपुर भाग 2 और तलाश द आंसर लाइज विदिन दोनों 2012 फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई। 2013 में उन्हें ड्रामा कई पहुंचे और शायद में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अभिनय के साथ सफलता मिली। बाद में वह वकील सईद आजामी की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स पुरस्कार मिला। राव करियर क्वीन 2014, अलीगढ़ 2015 और बरेली की बर्फी 2017 में सहायक भूमिकाओं के साथ आगे बढ़ा, जिसमें बाद वाले ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने स्वतंत्र फिल्मों ट्रिप्ड 2016 और न्यूटन 2017 में मुख्य भूमिकाएं निभाई, जिसमें पूर्व ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया और बाद वाले ने उन्हें एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड से दिलाया। राव को उस समय तक की सबसे बड़ी सफलता हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 और 2018 में मिली और थी और व्यंग द क्वाइट टाइगर 2021 में उनकी पहली अंग्रेजी फिल्म भूमिका थी। लूडो 2020, मोनिका ओ माई डार्लिंग 2022 और भेड़ 2023 में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए और अधिक प्रशंसा मिली। खराब प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में से एक श्रृंखला के बाद उन्होंने 2024 में बायोपिक श्रीकांत में शीर्षक भूमिका निभाकर और सिक्सुअल स्त्री 2 में अपनी भूमिका को दोहराकर व्यावसायिक सफलता हासिल की, जिसमें से वे बाद वाली उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज के रूप में शुमार थी और रात का विवाह अभिनेत्री पत्रलेखा पॉल से हुआ था। उन्होंने राजकुमार राव का जन्म राजकुमार राव आदव के रूप में इसे 31 अगस्त 1984 को प्रेमनगर गुड़गांव हरियाणा भारत में हुआ था। उनके विस्तारित परिवार में उनके 2 बड़े भाई बहन और 3 चचेरे भाई थे। उनके पिता सत्य प्रकाश आदव हरियाणा राजस्व विभाग में एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी मां कमलेश यादव एक गृहिणी थी। उनकी मां और पिता की मृत्यु क्रमशः 2016 और 2019 में हुई थी। उन्होंने SN सिद्धार्थेश्वर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में अपनी 12वीं की पढ़ाई की पूरी की, जहां उन्होंने स्कूल में नाटकों में भाग लिया। उन्होंने आत्मराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वे एक साथ शिक्षित थिएटर ग्रुप और दिल्ली में श्री राम सेंटर के साथ थिएटर कर रहे थे।
राव ने कहा कि उन्होंने मनोज बाजपेयी को देखने और उनके प्रदर्शन से काफ़ी प्रभावित होने के बाद वो अभिनेता बनने फैसला किया। उन्होंने 2008 में उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में 2 साल के अभिनय पाठ्यक्रम में दाखिला लिया और फिल्मी करियर बनने के लिए मुंबई चले गए। राव शाकाहारी और उन्होंने 2014 में अपना उपनाम यादव से बदलकर राव कर लिया गया और अपने नाम से एक अतिरिक्त MD भी जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका कारण यह था कि राव या यादव में दोनों में से कोई भी उपनाम इस्तेमाल कर सकता हूं क्योंकि दोनों ही परिवार नाम, जहां तक कि अपने नाम में दोहरे M की बात की, या मेरी मां के लिए वह अंकशास्त्र में विश्वास करती। उन्होंने औपचारिक रूप से ताइवान्डो की प्रशिक्षण लिया। राव 2010 से अभिनेत्री पत्रलेखा पॉल के साथ रिश्ते में थे। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ में उनसे शादी की थी और 2008 में उन्हें FTII स्नातक होने के बाद राव ने अगला साल स्टूडियो में जाकर और कास्टिंग निर्देशकों से मिलते हुए बताया कि उन्होंने राम गोपाल वर्मा की 2010 की राजनीतिक थ्रिलर रन में एक समाचार पाठक के रूप में एक छोटी बिना सिरे की उपस्थिति दर्ज की अखबार के विज्ञापन में पढ़ने के बाद जिसमें उल्लेख किया गया था कि दिवाकर बनर्जी अपनी फाउंड फुटेज एंथोलॉजी फिल्म लव सक्सेस और धोखा 2010 के लिए नए लोगों की तलाश कर रहे थे। उन्होंने फिल्म के लिए ऑडिशन को और उनका यह चयन हो गया था। फिल्म में 3 कहानियों राव दूसरी कहानी में नेहा चौहान के साथ दिखाई देते हैं। उन्होंने आदर्श का किरदार निभाया जो एक सुपरमार्केट सुपरवाइजर है जो एक कर्मचारी को अपने साथ सोने के लिए मजबूर करता है ताकि वह स्क्रिप्ट को छिपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड कर सके और बच सके। अपनी पहली फिल्म की सफलता के बाद निर्माता एकता कपूर ने राव को फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म रागिनी SMS के द्वारा मुख्य भूमिका की पेशकश की। वह शुरू में इसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि वह उनके पिछले काम के समान लग रहा था, लेकिन उन्होंने कास्टिंग निर्देशक अतुल मंगिया के आग्रह पर एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और प्रतिकूल आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उनकी अगली रिलीज विजय नाम्बियार की क्राइम थ्रिलर शैतान 2011 थी जिसमें उन्होंने एक घिनौने पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। राजा सेन जो फिल्म के आलोचक थे ने राव के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उन्हें विश्वसनीय रूप से भयानक कहा गया और निर्देशक अनुराग कश्यप ने लव सक्सेस और धोखा में राव के प्रदर्शन को पसंद किया था और उन्हें गैंग ऑफ वासुपुर भाग 2 में कास्ट किया गया था जो उनकी अपराध फिल्म गैंग ऑफ वासुपुर भाग 1 को अनुवर्ती था। उन्होंने शमशाद आलम की सहायक भूमिका निभाई जिसके लिए उन्होंने अपने उच्चारण और चरित्र की सही करने के लिए उन्हें वासुपुर का दौरा किया गया। फिल्म का आलोचनात्मक और वित्तीय सफलता थी। उनकी अगली भूमिका वेदव्रत पेन और ऐतिहासिक नाटक चटगांव 2012 में स्वतंत्रता कार्यकर्ता लोकनाथ बल की थी जो चटगांव शास्त्रागार छापे पर आधारित थी। वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज रीमा कागती को सस्पेंस थ्रिलर तलाश द आंसर लाइज विदिन थी और आमिर खान, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शेरनाज पटेल अभिनीत इस फिल्म को दुनिया भर में 1.74 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह साल की 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। राजीव मंसद ने टिप्पणी की कि सिर्फ एक दृश्य में राव ने दिखाया कि अच्छा अभिनेता एक छोटे से हिस्से में भी क्या ला सकता है। अभिषेक कपूर की सामाजिक ड्रामा फिल्म काई पोचे 2013 राव की 2013 में पहली फिल्म थी। सुशांत सिंह राजपूत और अमित साध द्वारा सह अभिनीत यह फिल्म चेतन भगत की 2008 के उपन्यास द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित है। यह फिल्म भारत में 22 फरवरी 2013 को रिलीज हुई थी और इसे मुख्य भूमिकाओं के लिए प्रशंसा के साथ साथ आलोचकों को भी प्रशंसा मिली। डेक्कन हेराल्ड की शिल्पा जामखंडीकर ने महसूस किया कि वे राव ने अलग हटकर भूमिका निभाई और खूबसूरती से भूमिका निभाई। राव को फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। 2013 में वह हंसल मेहता द्वारा निर्देशित जीवनी
पर आधारित ड्रामा शहीद में भी दिखाई दी, जहां उन्होंने दिवंगत वकील शाहिद आजमी की शीर्षक भूमिका निभाई और भूमिका तैयारी के लिए राव ने आजमी के परिवार से मुलाकात की और उनके साथ समय बिताई ताकि वे उस व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व को समझ सके। उन्होंने कुरान का भी अध्ययन किया और यह समझने के लिए कोर्ट रूम में भाग लिया और वकील कि कैसे व्यवहार करते हैं वह भी उन्होंने सीखा। राव ने कहा कि भावनात्मक रूप से थक गए थे क्योंकि चरित्र चुनौतीपूर्ण और जटिल था। फिल्म और उनके प्रदर्शन इसलिए रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को राव की जीत का उनसे शाहिद में ताकत पीड़ा और नियंत्रित गुस्से के और उन्होंने इस फिल्म में कई प्रकार की अन्य भूमिका निभाई थी जो उनकी अन्य 2013 रिलीज कॉमेडी फिल्म बॉयज तो बॉयज थी और 2013 में राव ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म के लिए 2013 में राव ने कॉमेडी ड्रामा क्वीन एक चालक मंगेतर की सहायक भूमिका निभाई। फिल्म का विश्व प्रीमियर बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था और इसे 7 मार्च 2014 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 970 मिलियन की कमाई की। एनडीटीवी की सबिल चटर्जी ने कहा कि राव घृणित रूढ़िवादी शहरी व्यक्ति की अपनी व्याख्या पर उल्लेखनीय संयम लाते हैं जो अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता। उसी वर्ष उन्होंने श्लोका शर्मा द्वारा निर्देशित बॉम्ब मिरर नामक एक लघु फिल्म में विजय मौर्य के साथ अभिनय किया। उन्होंने मेहता के साथ उनकी ड्रामा फिल्म सिटी लाइट्स में उनके सहयोग किया गया। पत्रलेखा पॉल की सह कलाकार फिल्म राजस्थान के लिए गरीब किसान परिवार की कहानी बताती है जो आजीविका की तलाश में मुंबई आता है। भूमिका की तैयारी के लिए राव के एक महीने के लिए राजस्थान की पाली जिले के छोटे शहर के सादरी में रहे कुछ मूछे बढ़ाई गई और बोली से अच्छी तरह से वाफिक की प्रशंसा। हिंदुस्तान टाइम्स की सविता कौशल ने लिखा है कि वह सहजता से भूमिका में ढल जाती है। यह एक मध्यम सफलता थी। फिल्म स्त्री टू फिल्म की शुरुआत की बात कीजिए, यह पिछली किस्त की अंतिम दृश्य से होती है और जहां स्त्री चंद्री फिर से प्रवेश करने वाली होती है वह शहर के प्रवेश द्वार खुद की एक मूर्ति देखती है जिस पर लिखा है कि वो स्त्री रक्षा करना ये नारी हमारी रक्षा करो और वहां से जाने का फैसला करती है। सालों बाद चंद्री को एक नए खतरे का सामना करना पड़ता है। सरकटा नामक एक सिरहीन भूत जो रात में महिलाओं का अपहरण करता है और उन्हें एक दुख स्वप्न वैकल्पिक आयाम ले जाता है और उन्हें उपस्थिति अनजान शहरवासी गलती से मान लेते हैं कि लापता महिलाएं बेहतर संभावनाओं के लिए चली गई है। विक्की अभी भी बिना नाम वाली लड़की से प्यार करता है जिसे सी के रूप से श्रेय दिया जाता है, अक्सर उसे अपने सामने प्रकट होने की कल्पना करता है। इस बीच रुद्र को एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें चंद्री पुराण के गुम हुए पृष्ठ और एक गुप्त संदेह होता है। वह आएगा। एक रात बिट्टू की प्रेमिका चिट्टी को सरकटा ले जाता है। अपहरण का गवाह एक नशेड़ी भिखारी भूत के अस्तित्व की पुष्टि करता है। विक्की बिट्टू और रुद्र चंदेरी पुराण के फटे पन्नों की जांच करते हैं और सरकटा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सरकटा चंद्रवान की प्रतिशोधी आत्मा है जो एक पूर्व ग्राम प्रधान है जिसने स्त्री नामक एक वेश्या की हत्या कर दी थी। उसके पति का सिर काटकर उसे जिंदा जला दिया था। चंदेरी से स्त्री के जाने के बाद सरकटा प्रतिशील महिलाओं को निशाना बनाने के लिए वापस आ गई और सरकटा को हराने के लिए उन्हें स्त्री की मदद की जरूरत है। यह महसूस करते हुए दोस्त दिल्ली में जाना की तलाश करते हुए जो कभी स्त्री के कब्जे में थी अपने चचेरे भाई भास्कर के साथ रह रहे जाना को उसने उनके द्वारा एक मंच नाटक के बहाने चंद्री वापस बुलाया है और उसे, लेकिन जब उसे असली कारण पता चलता है कि तब वह अनिच्छा से सहायता करने के लिए सहमत होता है। पुराने किले में स्त्री की खोज करते समय सरकटा हमला करता है कि और लगभग जाना को मार डालता है जिसे
वैकल्पिक आयाम के दर्शन होते हैं जहां अपहृत महिलाओं को बंदी बनाकर रखा जाता है। जाना को मरा हुआ मानकर जब वह पुनर्जीवित होता है तो समूह चौंक जाता है और वे सरकटा का पीछा करते हुए किले के से बाल बाल बच निकलते हैं। जिससे ही सरकटा शहर में आतंक मचाती तो वह फिर से प्रकट होती और स्त्री के बालों से जुड़ी चोटी को शक्तियों का उपयोग करके सरकटा से लड़कर समूह को बचाती और डर में जी रही शहर की महिलाएं विक्की को स्त्री को हराने का दोषी ठहराती हुए विक्की पर नए खतरे की जिम्मेदारी लेने का दबाव डालते हैं और वह उसे समझाती है कि उसकी शुद्ध आत्मा उसे इस कार्य के लिए सही व्यक्ति बनाती और वह विक्की को एक जादुई खंजर देती और उसे सरकटा का सिर आधा काटने के लिए इसका इस्तेमाल करने का निर्देश देती है। सरकटा को फंसाने के लिए समूह समारुद्ध की प्रेमिका द्वारा एक नृत्य प्रदर्शन आयोजन करता है। प्रदर्शन के दौरान सरकटा प्रकट होता है लेकिन विक्की उसका सिर काटने में विफल रहता है। सरकटा तब विक्की रुद्र और जाना को छोड़कर मौजूद सभी पुरुषों को अपने वश में कर लेती है और इसके बाद सरकटा सामा को अपहरण कर लेती है और बिट्टू सहित वश में किए गए पुरुष शहरी की महिलाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। समाधान की तलाश में वह गुमनाम पत्र से मिले सुरा के अनुसार। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री टू फिल्म के बारे में। स्त्री टू फिल्म के बारे में बात की जाए, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है। यह मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स पांचवी किस्त और स्त्री 2018 की अगली कड़ी के रूप में कार्य करती है। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना है। कहानी दोस्तों के एक समूह का अनुसरण करती है जिन्हें चंदेरी की महिलाओं को अपहरण करने वाली एक दुष्ट इकाई को हराना होगा। इस फिल्म में कौशिक ने पहली बार अक्टूबर 2018 में स्त्री सिक्सुअल को विकसित करने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2022 तक राव ने पुष्टि किया कि परियोजना विकास में, हालांकि मूल लेखक और निर्माता राज और डीके अब इसमें शामिल नहीं है और इन्होंने फ्रेंचाइजी के अधिकारों को लेकर विवाद पर निर्माता दिनेश विजयन के साथ अलग हो गए थे। नतीजन भट्ट ने लेखक के रूप में पदभार संभाला। सिक्सुअल की अधिकारी घोषणा विजयन और ज्योतिषी देशपांडे ने अप्रैल 2023 में की थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी वर्ष जुलाई में शुरू हुई जो मुख्य रूप से चंदेरी और बिहार में हुई और 2024 के मध्य तक समाप्त हो गई। फिल्म में सचिन जीगर द्वारा रचित और एक संगीत स्कोर जिसमें जस्टिन वर्गीस और यास फिल्म अतिरिक्त के प्रकार की और इन्होंने इस फिल्म में 2023 की थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी वर्ष जुलाई शुरू में हुई थी और मुख्य रूप से चंदेरी और बिहार में हुई थी और 2024 के मध्य तक समाप्त हो गई। फिल्म में सचिन जीगर द्वारा रचित एक संगीत स्कोर जिसमें जस्टिन वर्गीस का अतिरिक्त स्कोरिंग छायांकन जिष्णु भट्टाचार्य जी द्वारा किया गया था और संपादन हेमंती सरकार द्वारा संभाला गया था। स्त्री टू को 15 अगस्त 2024 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म ने दुनिया भर में इसे 792 करोड़ से अधिक कमाई की है और सारी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और साथ ही यह अब तक की 7वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और 11वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इस फिल्म में राजकुमार राव 31 अगस्त 1984 एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2010 में अब तक की 30 से अधिक फिल्मों में काम किया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है। 2017 में वह फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी की सह सूची में शामिल हुए और उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लव सक्सेस और धोखा 2010 अपने अभिनय की शुरुआत की और गैंग ऑफ वासुपुर भाग 2 और तलाश द आंसर लाइज विद इन दोनों 2012 फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई। 2013 में उन्हें ड्रामा कई पहुंचे और शायद में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अभिनय के साथ सफलता मिली। बाद में वह वकील सईद आजामी की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स पुरस्कार मिला। राव करियर क्वीन 2014, अलीगढ़ 2015 और बरेली की बर्फी 2017 में सहायक भूमिकाओं के साथ आगे बढ़ा जिसमें बाद वाले ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने स्वतंत्र फिल्मों ट्रेड
ट्रिप्ड 2016 और न्यूटन 2017 में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें पूर्व ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया और बाद वाले ने उन्हें एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड दिलाया। राव को उस समय तक की सबसे बड़ी सफलता हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 और 2018 में मिली और थी, और वेंग द क्वाइट टाइगर 2021 में उनकी पहली अंग्रेजी फिल्म भूमिका थी। लूडो 2020, मोनिका ओ माई डार्लिंग 2022 और भेड़ 2023 में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए और अधिक प्रशंसा मिली। खराब प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में से एक श्रृंखला के बाद उन्होंने 2024 में बायोपिक श्रीकांत में शीर्षक भूमिका निभाकर और सेक्सुअल स्त्री 2 में अपनी भूमिका को दोहराकर व्यावसायिक सफलता हासिल की, जिसमें से वे बाद वाली उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज के रूप में शुमार थी। और रात का विवाह अभिनेत्री पत्रलेखा पॉल से हुआ था। उन्होंने राजकुमार राव का जन्म राजकुमार राव आदव के रूप में इसे 31 अगस्त 1984 को प्रेमनगर गुड़गांव हरियाणा भारत में हुआ था। उनके विस्तारित परिवार में उनके दो बड़े भाई बहन और तीन चचेरे भाई थे। उनके पिता सत्य प्रकाश आदव हरियाणा राजस्व विभाग में एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी माँ कमलेश यादव एक गृहिणी थी। उनकी माँ और पिता की मृत्यु क्रमशः 2016 और 2019 में हुई थी। उन्होंने SN सिद्धार्थेश्वर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में अपनी 12वीं की पढ़ाई की पूरी की, जहां उन्होंने स्कूल में नाटकों में भाग लिया। उन्होंने आत्मराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वे एक साथ शिक्षित थिएटर ग्रुप और दिल्ली में श्री राम सेंटर के साथ थिएटर कर रहे थे। राव ने कहा कि उन्होंने मनोज बाजपेयी को देखने और उनके प्रदर्शन से काफ़ी प्रभावित होने के बाद वो अभिनेता बनने फैसला किया। उन्होंने 2008 में उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में 2 साल के अभिनय पाठ्यक्रम में दाखिला लिया और फिल्मी करियर बनने के लिए मुंबई चले गए। राव शाकाहारी और उन्होंने 2014 में अपना उपनाम यादव से बदलकर राव कर लिया गया और अपने नाम से एक अतिरिक्त MD भी जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका कारण यह था कि राव या यादव में दोनों में से कोई भी उपनाम इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ही परिवार नाम, जहां तक कि अपने नाम में दोहरे M की बात की, या मेरी मां के लिए वह अंकशास्त्र में विश्वास करती है। उन्होंने औपचारिक रूप से ताइवान्डो की प्रशिक्षण लिया। राव 2010 से अभिनेत्री पत्रलेखा पॉल के साथ रिश्ते में थे। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ में उनसे शादी की थी और 2008 में उन्हें FTII स्नातक होने के बाद राव ने अगला साल स्टूडियो में जाकर और कास्टिंग निर्देशकों से मिलते हुए बताया कि उन्होंने राम गोपाल वर्मा की 2010 की राजनीतिक थ्रिलर रन में एक समाचार पाठक के रूप में एक छोटी बिना सिरे की उपस्थिति दर्ज की अखबार के विज्ञापन में पढ़ने के बाद, जिसमें उल्लेख किया गया था कि दिवाकर बनर्जी अपनी फाउंड फुटेज एंथोलॉजी फिल्म लव सक्सेस और धोखा 2010 के लिए नए लोगों की तलाश कर रहे थे। उन्होंने फिल्म के लिए ऑडिशन को और उनका यह चयन हो गया था। फिल्म में तीन कहानियों राव दूसरी कहानी में नेहा चौहान के साथ दिखाई देते हैं। उन्होंने आदर्श का किरदार निभाया, जो एक सुपरमार्केट सुपरवाइजर है जो एक कर्मचारी को अपने साथ सोने के लिए मजबूर करता है ताकि वह स्क्रिप्ट को छिपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड कर सके और बच सके। अपनी पहली फिल्म की सफलता के बाद निर्माता एकता कपूर ने राव को फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म रागिनी SMS के द्वारा मुख्य भूमिका की पेशकश की। वह शुरू में इसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि वह उनके पिछले काम के समान लग रहा था, लेकिन उन्होंने कास्टिंग निर्देशक अतुल मंगिया के आग्रह पर एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और प्रतिकूल आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उनकी अगली रिलीज विजय नाम्बियार की क्राइम थ्रिलर शैतान 2011 थी, जिसमें उन्होंने एक घिनौने पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। राजा सेन जो फिल्म के आलोचक थे ने राव के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उन्हें विश्वसनीय रूप से भयानक कहा गया और निर्देशक अनुराग कश्यप ने लव सक्सेस और धोखा में राव के प्रदर्शन को पसंद किया था और उन्हें गैंग ऑफ वासुपुर भाग 2 में कास्ट किया गया था, जो उनकी अपराध फिल्म गैंग ऑफ वासुपुर भाग 1 को अनुवर्ती था। उन्होंने शमशाद आलम की सहायक भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने अपने उच्चारण और चरित्र की सही करने के लिए उन्हें वासुपुर का दौरा किया गया। फिल्म का आलोचनात्मक
और वित्तीय सफलता थी। उनकी अगली भूमिका वेदव्रत पेन और ऐतिहासिक नाटक चटगांव 2012 में स्वतंत्रता कार्यकर्ता लोकनाथ बल की थी, जो चटगांव शास्त्रागार छापे पर आधारित थी। वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज रीमा काकती को सस्पेंस थ्रिलर तलाश द आंसर लाइज विदिन थी, और आमिर खान, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शेरनाज पटेल अभिनीत इस फिल्म को दुनिया भर में 1.74 मिलियन से अधिक की कमाई की, और यह साल की 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। राजीव मंसद ने टिप्पणी की कि सिर्फ एक दृश्य में राव ने दिखाया कि अच्छा अभिनेता एक छोटे से हिस्से में भी क्या ला सकता है। अभिषेक कपूर की सामाजिक ड्रामा फिल्म काई पोचे 2013 राव की 2013 में पहली फिल्म थी। सुशांत सिंह राजपूत और अमित शाह द्वारा सह अभिनीत यह फिल्म चेतन भगत की गुजरात के उपन्यास द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित है। यह फिल्म भारत में 22 फरवरी 2013 को रिलीज हुई थी और इसे मुख्य भूमिकाओं के लिए प्रशंसा के साथ साथ आलोचकों को भी प्रशंसा मिली। डेक्कन हेराल्ड की शिल्पा जामखंडीकर ने महसूस किया कि वे राव ने अलग हटकर भूमिका निभाई और खूबसूरती से भूमिका निभाई। राव को फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। 2013 में वह हंसल मेहता द्वारा निर्देशित जीवनी पर आधारित ड्रामा शहीद में भी दिखाई दी, जहां उन्होंने दिवंगत वकील शहीद आजमी की शीर्षक भूमिका निभाई। और भूमिका तैयारी के लिए राव ने आजमी के परिवार से मुलाकात की और उनके साथ समय बिताई ताकि वे उस व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व को समझ सके। उन्होंने कुरान का भी अध्ययन किया और यह समझने के लिए कोर्ट रूम में भाग लिया और वकील कि कैसे व्यवहार करते हैं वह भी उन्होंने सीखा। राव ने कहा कि भावनात्मक रूप से थक गए थे क्योंकि चरित्र चुनौतीपूर्ण और जटिल था। फिल्म और उनके प्रदर्शन इसलिए रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को राव की जीत का उनसे शाहिद में ताकत पीड़ा और नियंत्रित गुस्से के, और उन्होंने इस फिल्म में कई प्रकार की अन्य भूमिका निभाई थी जो उनकी अन्य 2013 रिलीज कॉमेडी फिल्म बॉयज तो बॉयज थी। और 2013 में राव ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म के लिए 2013 में राव ने कॉमेडी ड्रामा क्वीन एक चालक मंगेतर की सहायक भूमिका निभाई। फिल्म का विश्व प्रीमियर बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था और इसे 7 मार्च 2014 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 970 मिलियन की कमाई की। एनडीटीवी की सबिल चटर्जी ने कहा कि राव घृणित रूढ़िवादी शहरी व्यक्ति की अपनी व्याख्या पर उल्लेखनीय संयम लाते हैं जो अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता। उसी वर्ष उन्होंने श्लोखा शर्मा द्वारा निर्देशित बॉम्ब मिरर नामक एक लघु फिल्म में विजय मौर्य के साथ अभिनय किया। उन्होंने मेहता के साथ उनकी ड्रामा फिल्म सिटी लाइट्स में उनके सहयोग किया गया। पत्रलेखा पॉल की सह कलाकार फिल्म राजस्थान के लिए गरीब किसान परिवार की कहानी बताती है जो आजीविका की तलाश में मुंबई आता है। भूमिका की तैयारी के लिए राव के एक महीने के लिए राजस्थान की पाली जिले के छोटे शहर के सादरी में रहे कुछ मूछे बढ़ाई गई और बोली से अच्छी तरह से वाफिक की प्रशंसा। हिंदुस्तान टाइम्स की सविता कौशल ने लिखा है कि वह सहजता से भूमिका में ढल जाती है। यह एक मध्यम सफलता फिल्म स्त्री टू फिल्म की शुरुआत की बात कीजिए, यह पिछली किस्त की अंतिम दृश्य से होती है और जहां स्त्री चंद्री फिर से प्रवेश करने वाली होती है वह शहर के प्रवेश द्वार खुद की एक मूर्ति देखती है जिस पर लिखा है कि वो स्त्री रक्षा करना, ये नारी हमारी रक्षा करो, और वहां से जाने का फैसला करती है। सालों बाद चंद्री को एक नए खतरे का सामना करना पड़ता है, सरकटा नामक एक सिरहीन भूत जो रात में महिलाओं का अपहरण करता है और उन्हें एक दुख स्वप्न वैकल्पिक आयाम ले जाता है और उन्हें उपस्थिति अनजान शहरवासी गलती से मान लेते हैं कि लापता महिला बेहतर संभावनाओं के लिए चली गई है। विक्की अभी भी बिना नाम वाली लड़की से प्यार करता है जिसे सी के रूप से श्रेय दिया जाता है, अक्सर उसे अपने सामने प्रकट होने की कल्पना करता है। इस बीच रुद्र को एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें चंद्री पुराण के गुम हुए पृष्ठ और एक गुप्त संदेह होता है। वो
आएगा वह आएगा। एक रात बिट्टू की प्रेमिका चिट्टी को सरकटा ले जाता है। अपहरण का गवाह एक नशेड़ी भिखारी भूत के अस्तित्व की पुष्टि करता है। विक्की बिट्टू और रुद्र चंदेरी पुराण के फटे पन्नों की जांच करते हैं और सरकटा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सरकटा चंद्रबान की प्रतिशोधी आत्मा है, जो एक पूर्व ग्राम प्रधान है जिसने स्त्री नामक एक वेश्या की हत्या कर दी थी। उसके पति का सिर काटकर उसे जिंदा जला दिया था। चंदेरी से स्त्री के जाने के बाद सरकटा प्रतिशील महिलाओं को निशाना बनाने के लिए वापस आ गई और सरकटा को हराने के लिए उन्हें स्त्री की मदद की जरूरत है। यह महसूस करते हुए दोस्त दिल्ली में जाना की तलाश करते हुए, जो कभी स्त्री के कब्जे में थी, अपने चचेरे भाई भास्कर के साथ रह रहे जाना को उसने उनके द्वारा एक मंच नाटक के बहाने चंदेरी वापस बुलाया है और उसे, लेकिन जब उसे असली कारण पता चलता है कि तब वह उस वह अनिच्छा से सहायता करने के लिए सहमत होता है। पुराने किले में स्त्री की खोज करते समय सरकटा हमला करता है कि और लगभग जाना को मार डालता है, जिसे वैकल्पिक आयाम के दर्शन होते हैं जहां अपहृत महिलाओं को बंदी बनाकर रखा जाता है। जाना को मरा हुआ मानकर जब वह पुनर्जीवित होता है तो समूह चौंक जाता है और वे सरकटा का पीछा करते हुए किले के से बाल बाल बच निकलते हैं। जिससे ही सरकटा शहर में आतंक मचाती तो वह फिर से प्रकट होती और स्त्री के बालों से जुड़ी चोटी को शक्तियों का उपयोग करके सरकटा से लड़कर समूह को बचाती है। डर में जी रही शहर की महिलाएं विक्की को स्त्री को हराने का दोषी ठहराती हुए विक्की पर नए खतरे की जिम्मेदारी लेने का दबाव डालते हैं और वह उसे समझाती है कि उसकी शुद्ध आत्मा उसे इस कार्य के लिए सही व्यक्ति बनाती है और वह विक्की को एक जादुई खंजर देती है और उसे सरकटा का सिर आधा काटने के लिए इसका इस्तेमाल करने का निर्देश देती है। सरकटा को फंसाने के लिए समूह समारुद्ध की प्रेमिका द्वारा एक नृत्य प्रदर्शन आयोजन करता है। प्रदर्शन के दौरान सरकटा प्रकट होता है लेकिन विक्की उसका सिर काटने में विफल रहता है। सरकटा तब विक्की रुद्र और जाना को छोड़कर मौजूद सभी पुरुषों को अपने वश में कर लेती है और इसके बाद सरकटा सामा को अपहरण कर लेती है और बिट्टू सहित वश में किए गए पुरुष शहरी की महिलाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। समाधान की तलाश में वह गुमनाम पत्र से मिले सुराग के अनुसार। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री टू फिल्म के बारे में। स्त्री टू फिल्म के बारे में बात की जाए, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है। यह मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स पांचवी किस्त और स्त्री 2018 की अगली कड़ी के रूप में कार्य करती है। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना है। कहानी दोस्तों के एक समूह का अनुसरण करती है जिन्हें चंदेरी की महिलाओं को अपहरण करने वाली एक दुष्ट इकाई को हराना होगा। इस फिल्म में कौशिक ने पहली बार अक्टूबर 2018 में स्त्री सेक्सुअल को विकसित करने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2022 तक राव ने पुष्टि किया कि परियोजना विकास में, हालांकि मूल लेखक और निर्माता राज और डीके अब इसमें शामिल नहीं है और इन्होंने फ्रेंचाइजी के अधिकारों को लेकर विवाद पर निर्माता दिनेश विजयन के साथ अलग हो गए थे। नतीजन भट्ट ने लेखक के रूप में पदभार संभाला। सेक्सुअल की अधिकारी घोषणा विजयन और ज्योतिषी देशपांडे ने अप्रैल 2023 में की थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी वर्ष जुलाई में शुरू हुई, जो मुख्य रूप से चंदेरी और बिहार में हुई और 2024 के मध्य तक समाप्त हो गई। फिल्म में सचिन जीगर द्वारा रचित और एक संगीत स्कोर जिसमें जस्टिन वर्गीस और यास फिल्म अतिरिक्त के प्रकार की और इन्होंने इस फिल्म में 2023 की थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी वर्ष जुलाई शुरू में हुई थी और मुख्य रूप से चंदेरी और बिहार में हुई थी और 2024 के मध्य तक समाप्त हो गई। फिल्म में सचिन जीगर द्वारा रचित एक संगीत स्कोर जिसमें जस्टिन वर्गीस का अतिरिक्त स्कोरिंग छायांकन जिष्णु भट्टाचार्य द्वारा किया गया था और संपादन हेमंती सरकार द्वारा संभाला गया था। स्त्री टू को 15 अगस्त 2024 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म ने दुनिया भर में इसे 792 करोड़ से अधिक कमाई की है और सारी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और साथ ही यह अब तक की 7वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और 11वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई।
इस फिल्म में राजकुमार राव 31 अगस्त 1984 एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2010 में अब तक की 30 से अधिक फिल्मों में काम किया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है। 2017 में वह फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी की 100 सूची में शामिल हुए और उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लव सक्सेस और धोखा 2010 अपने अभिनय की शुरुआत की और गैंग ऑफ वासुपुर भाग 2 और तलाश द आंसर लाइज विद इन दोनों 2012 फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई। 2013 में उन्हें ड्रामा कई पहुंचे और शायद में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अभिनय के साथ सफलता मिली। बाद में वह वकील सईद आजामी की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स पुरस्कार मिला। राव करियर क्वीन 2014, अलीगढ़ 2015 और बरेली की बर्फी 2017 में सहायक भूमिकाओं के साथ आगे बढ़ा, जिसमें बाद वाले ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने स्वतंत्र फिल्मों ट्रिप्ड 2016 और न्यूटन 2017 में मुख्य भूमिकाएं निभाई, जिसमें पूर्व ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया और बाद वाले ने उन्हें एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड से दिलाया। राव को उस समय तक की सबसे बड़ी सफलता हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 और 2018 में मिली और थी और वेंग द क्वाइट टाइगर 2021 में उनकी पहली अंग्रेजी फिल्म भूमिका थी। लूडो 2020, मोनिका ओ माई डार्लिंग 2022 और भेड़ 2023 में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए और अधिक प्रशंसा मिली। खराब प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में से एक श्रृंखला के बाद उन्होंने 2024 में बायोपिक श्रीकांत में शीर्षक भूमिका निभाकर और सेक्सुअल स्त्री 2 में अपनी भूमिका को दोहराकर व्यावसायिक सफलता हासिल की, जिसमें से वे बाद वाली उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज के रूप में शुमार थी और रात का विवाह अभिनेत्री पत्रलेखा पॉल से हुआ था। उन्होंने राजकुमार राव का जन्म राजकुमार राव आदव के रूप में इसे 31 अगस्त 1984 को प्रेम नगर गुड़गांव हरियाणा भारत में हुआ था। उनके विस्तारित परिवार में उनके 2 बड़े भाई बहन और 3 चचेरे भाई थे। उनके पिता सत्य प्रकाश आदव हरियाणा राजस्व विभाग में एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी माँ कमलेश यादव एक गृहिणी थी। उनकी माँ और पिता की मृत्यु क्रमशः 2016 और 2019 में हुई थी। उन्होंने SN सिद्धार्थेश्वर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में अपनी 12वीं की पढ़ाई की पूरी की, जहां उन्होंने स्कूल में नाटकों में भाग लिया। उन्होंने आत्मराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वे एक साथ शिक्षित थिएटर ग्रुप और दिल्ली में श्री राम सेंटर के साथ थिएटर कर रहे थे। राव ने कहा कि उन्होंने मनोज बाजपेयी को देखने और उनके प्रदर्शन से काफ़ी प्रभावित होने के बाद वो अभिनेता बनने फैसला किया। उन्होंने 2008 में उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में 2 साल के अभिनय पाठ्यक्रम में दाखिला लिया और फिल्मी करियर बनने के लिए मुंबई चले गए। राव शाकाहारी और उन्होंने 2014 में अपना उपनाम यादव से बदलकर राव कर लिया गया और अपने नाम से एक अतिरिक्त MD भी जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका कारण यह था कि राव या यादव में दोनों में से कोई भी उपनाम इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ही परिवार नाम, जहां तक कि अपने नाम में दोहरे M की बात की, या मेरी माँ के लिए वह अंकशास्त्र में विश्वास करती है। उन्होंने औपचारिक रूप से ताइवान्डो की प्रशिक्षण लिया और राव 2010 से अभिनेत्री पत्रलेखा पॉल के साथ रिश्ते में थे। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ में उनसे शादी की थी और 2008 में उन्हें FTII स्नातक होने के बाद राव ने अगला साल स्टूडियो में जाकर और कास्टिंग निर्देशकों से मिलते हुए बताया कि उन्होंने राम गोपाल वर्मा की 2010 की राजनीतिक थ्रिलर रन में एक समाचार पाठक के रूप में एक छोटी बिना सिरे की उपस्थिति दर्ज की अखबार के विज्ञापन में पढ़ने के बाद, जिसमें उल्लेख किया गया था कि दिवाकर बनर्जी अपनी फाउंड फुटेज एंथोलॉजी फिल्म लव सक्सेस और धोखा 2010 के लिए नए लोगों की तलाश कर रहे थे। उन्होंने फिल्म के लिए ऑडिशन को और उनका यह चयन हो गया था। फिल्म में 3 कहानियों राव दूसरी कहानी में नेहा चौहान के साथ दिखाई देते हैं। उन्होंने आदर्श का किरदार निभाया जो एक सुपरमार्केट सुपरवाइजर है जो एक कर्मचारी को
अपने साथ सोने के लिए मजबूर करता है ताकि वह इस कृत्य को छिपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड कर सके और बच सके। अपनी पहली फिल्म की सफलता के बाद निर्माता एकता कपूर ने राव को फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म रागिनी एसमेंस के द्वारा मुख्य भूमिका की पेशकश की। वह शुरू में इसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि वह उनके पिछले काम के समान लग रहा था, लेकिन उन्होंने कास्टिंग निर्देशक अतुल मंगिया के आग्रह पर एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और प्रतिकूल आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उनकी अगली रिलीज विजय नाम्बियार की क्राइम थ्रिलर शैतान 2011 थी, जिसमें उन्होंने एक घिनौने पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। राजा सेन जो फिल्म के आलोचक थे ने राव के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उन्हें विश्वसनीय रूप से भयानक कहा गया और निर्देशक अनुराग कश्यप ने लव सक्सेस और धोखा में राव के प्रदर्शन को पसंद किया था और उन्हें गैंग ऑफ वासुपुर भाग 2 में कास्ट किया गया था, जो उनकी अपराध फिल्म गैंग ऑफ वासुपुर भाग 1 को अनुवर्ती था। उन्होंने शमशाद आलम की सहायक भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने अपने उच्चारण और चरित्र की सही करने के लिए उन्हें वासुपुर का दौरा किया गया। फिल्म का आलोचनात्मक और वित्तीय सफलता थी। उनकी अगली भूमिका वेदव्रत पेन और ऐतिहासिक नाटक चटगांव 2012 में स्वतंत्रता कार्यकर्ता लोकनाथ बल की थी, जो चटगांव शास्त्रागार छापे पर आधारित थी। वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज रीमा कागती को सस्पेंस थ्रिलर तलाश द आंसर लाइज विदिन थी और आमिर खान, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शेरनाज पटेल अभिनीत इस फिल्म को दुनिया भर में 1.74 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह साल की 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। राजीव मंसद ने टिप्पणी की कि सिर्फ एक दृश्य में राव ने दिखाया कि अच्छा अभिनेता एक छोटे से हिस्से में भी क्या ला सकता है। अभिषेक कपूर की सामाजिक ड्रामा फिल्म काई पोचे 2013 राव की 2013 में पहली फिल्म थी। सुशांत सिंह राजपूत और अमित साध द्वारा सह अभिनीत यह फिल्म चेतन भगत की गुजरात के उपन्यास द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित है। यह फिल्म भारत में 22 फरवरी 2013 को रिलीज हुई थी और इसे मुख्य भूमिकाओं के लिए प्रशंसा के साथ साथ आलोचकों को भी प्रशंसा मिली। डेक्कन हेराल्ड की शिल्पा जामखंडीकर ने महसूस किया कि वे राव ने अलग हटकर भूमिका निभाई और खूबसूरती से भूमिका निभाई। राव को फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। 2013 में वह हंसल मेहता द्वारा निर्देशित जीवनी पर आधारित ड्रामा शहीद में भी दिखाई दी, जहां उन्होंने दिवंगत वकील शहीद आजमी की शीर्षक भूमिका निभाई और भूमिका तैयारी के लिए राव ने आजमी के परिवार से मुलाकात की और उनके साथ समय बिताए ताकि वे उस व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व को समझ सके। उन्होंने कुरान का भी अध्ययन किया और यह समझने के लिए कोर्ट रूम में भाग लिया और वकील कि कैसे व्यवहार करते हैं वह भी उन्होंने सीखा। राव ने कहा कि भावनात्मक रूप से थक गए थे क्योंकि चरित्र चुनौतीपूर्ण और जटिल था। फिल्म और उनके प्रदर्शन इसलिए रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को राव की जीत का उनसे शाहिद में ताकत पीड़ा और नियंत्रित गुस्से के और उन्होंने इस फिल्म में कई प्रकार की अन्य भूमिका निभाई थी, जो उनकी अन्य 2013 रिलीज कॉमेडी फिल्म बॉयज तो बॉयज थी और 2013 में राव ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म के लिए 2013 में राव ने कॉमेडी ड्रामा क्वीन एक चालक मंगेतर की सहायक भूमिका निभाई। फिल्म का विश्व प्रीमियर बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था और इसे 7 मार्च 2014 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 970 मिलियन की कमाई की। एनडीटीवी की सबिल चटर्जी ने कहा कि राव घृणित रूढ़िवादी शहरी व्यक्ति की अपनी व्याख्या पर उल्लेखनीय संयम लाते हैं जो अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता। उसी वर्ष उन्होंने श्लोका शर्मा द्वारा निर्देशित बॉम्ब मिरर नामक एक लघु फिल्म में विजय मोरे के साथ अभिनय
किया। उन्होंने मेहता के साथ उनकी ड्रामा फिल्म सिटी लाइट्स में उनके सहयोग किया गया। पत्रलेखा पॉल की सह कलाकार फिल्म राजस्थान के लिए गरीब किसान परिवार की कहानी बताती है जो आजीविका की तलाश में मुंबई आता है। भूमिका की तैयारी के लिए राव के एक महीने के लिए राजस्थान की पाली जिले के छोटे शहर के सादरी में रहे। कुछ मूछें बढ़ाई गई और बोली से अच्छी तरह से वाफिक की प्रशंसा। हिंदुस्तान टाइम्स की सविता कौशल ने लिखा है कि वह सहजता से भूमिका में ढल जाती है, यह एक मध्यम सफलता। फिल्म स्त्री टू फिल्म की शुरुआत की बात कीजिए, यह पिछली किस्त के अंतिम दृश्य से होती है और जहां स्त्री चंद्री फिर से प्रवेश करने वाली होती है वह शहर के प्रवेश द्वार खुद की एक मूर्ति देखती है जिस पर लिखा है कि वो स्त्री रक्षा करना, ये नारी हमारी रक्षा करो, और वहां से जाने का फैसला करती है। सालों बाद चंद्री को एक नए खतरे का सामना करना पड़ता है, सरकटा नामक एक सिरहीन भूत जो रात में महिलाओं का अपहरण करता है और उन्हें एक दुख स्वप्न वैकल्पिक आयाम ले जाता है और उन्हें उपस्थिति अनजान शहरवासी गलती से मान लेते हैं कि लापता महिलाएं बेहतर संभावनाओं के लिए चली गई है। विक्की अभी भी बिना नाम वाली लड़की से प्यार करता है जिसे सी के रूप से श्रेय दिया जाता है, अक्सर उसे अपने सामने प्रकट होने की कल्पना करता है। इस बीच रुद्र को एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें चंद्री पुराण के गुम हुए पृष्ठ और एक गुप्त संदेह होता है। वह आएगा। एक रात बिट्टू की प्रेमिका चिट्टी को सरकटा ले जाता है। अपहरण का गवाह एक नशेड़ी भिखारी भूत के अस्तित्व की पुष्टि करता है। विक्की बिट्टू और रुद्र चंद्री पुराण के फटे पन्नों की जांच करते हैं और सरकटा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सरकटा चंद्रवान की प्रतिशोधी आत्मा है जो एक पूर्व ग्राम प्रधान है जिसने स्त्री नामक एक वेश्या की हत्या कर दी थी। उसके पति का सिर काटकर उसे जिंदा जला दिया था। चंद्री से स्त्री के जाने की बाद सरकटा प्रतिशील महिलाओं को निशाना बनाने के लिए वापस आ गई और सरकटा को हराने के लिए उन्हें स्त्री की मदद की जरूरत है। यह महसूस करते हुए दोस्त दिल्ली में जाना की तलाश करते हुए जो कभी स्त्री के कब्जे में थी अपने चचेरे भाई भास्कर के साथ रह रहे जाना को उसने उनके द्वारा एक मंच नाटक के बहाने चंद्री वापस बुलाया है और उसे, लेकिन जब उसे असली कारण पता चलता है कि तब वह अनिच्छा से सहायता करने के लिए सहमत होता है। पुराने किले में स्त्री की खोज करते समय सरकटा हमला करता है कि और लगभग जाना को मार डालता है जिसे वैकल्पिक आयाम के दर्शन होते हैं जहां अपहृत महिलाओं को बंदी बनाकर रखा जाता है। जाना को मरा हुआ मानकर जब वह पुनर्जीवित होता है तो समूह चौंक जाता है और वे सरकटा का पीछा करते हुए किले के से बाल बाल बच निकलते हैं। जैसे ही सरकटा शहर में आतंक मचाती तो वह फिर से प्रकट होती है और स्त्री के बालों से जुड़ी चोटी को शक्तियों का उपयोग करके सरकटा से लड़कर समूह को बचाती है। डर में जी रही शहर की महिला विक्की को स्त्री को हराने का दोषी ठहराती हुए विक्की पर नए खतरे की जिम्मेदारी लेने का दबाव डालते हैं और वह उसे समझाती है कि उसकी शुद्ध आत्मा उसे इस कार्य के लिए सही व्यक्ति बनाती है और वह विक्की को एक जादुई खंजर देती है और उसे सरकटा का सिर आधा काटने के लिए इसका इस्तेमाल करने का निर्देश देती है। सरकटा को फंसाने के लिए समूह समारुद्ध की प्रेमिका द्वारा एक नृत्य प्रदर्शन आयोजन करता है। प्रदर्शन के दौरान सरकटा प्रकट होता है लेकिन विक्की उसका सिर काटने में विफल रहता है। सरकटा तब विक्की रुद्र और जाना को छोड़कर मौजूद सभी पुरुषों को अपने वश में कर लेती है और इसके बाद सरकटा सामा को अपहरण कर लेती है और बिट्टू सहित वश में किए गए पुरुष शहरी की महिलाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। समाधान की तलाश में वह गुमनाम पत्र से मिले सुरा के अनुसार। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री टू फिल्म के बारे में। स्त्री टू फिल्म के बारे में बात की जाए, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है। यह मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स पांचवी किस्त और स्त्री 2018 की अगली कड़ी के रूप में कार्य करती है। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना है। कहानी दोस्तों के एक समूह का अनुसरण करती है जिन्हें चंदेरी की महिलाओं को अपहरण
करने वाली एक दुष्ट इकाई को हराना होगा। इस फिल्म में कौशिक ने पहली बार अक्टूबर 2018 में स्त्री सिक्सुअल को विकसित करने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2022 तक राव ने पुष्टि किया कि परियोजना विकास में, हालांकि मूल लेखक और निर्माता राज और डीके अब इसमें शामिल नहीं है और इन्होंने फ्रेंचाइजी के अधिकारों को लेकर विवाद पर निर्माता दिनेश विजयन के साथ अलग हो गए थे। नतीजन भट्ट ने लेखक के रूप में पदभार संभाला। सिक्सवाल की अधिकारी घोषणा विजयन और ज्योतिषी देशपांडे ने अप्रैल 2023 में की थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी वर्ष जुलाई में शुरू हुई, जो मुख्य रूप से चंदेरी और बिहार में हुई और 2024 के मध्य तक समाप्त हो गई। फिल्म में सचिन जीगर द्वारा रचित और एक संगीत स्कोर जिसमें जस्टिन वर्गीस और यास फिल्म अतिरिक्त के प्रकार की और इन्होंने इस फिल्म में 2023 की थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी वर्ष जुलाई शुरू में हुई थी और मुख्य रूप से चंदेरी और बिहार में हुई थी और 2024 के मध्य तक समाप्त हो गई। फिल्म में सचिन जीगर द्वारा रचित एक संगीत स्कोर जिसमें जस्टिन वर्गीस का अतिरिक्त स्कोरिंग छायांकन जिष्णु भट्टाचार्य द्वारा किया गया था और संपादन हेमंती सरकार द्वारा संभाला गया था। स्त्री 2 को 15 अगस्त 2024 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म ने दुनिया भर में इसे 792 करोड़ से अधिक कमाई की है और सारी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और साथ ही यह अब तक की 7वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और 11वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इस फिल्म में राजकुमार राव 31 अगस्त 1984 एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2010 में अब तक की 30 से अधिक फिल्मों में काम किया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है। 2017 में वह फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी की 100 सूची में शामिल हुए और उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लव सक्सेस और धोखा 2010 अपने अभिनय की शुरुआत की और गैंग ऑफ वासुपुर भाग 2 और तलाश द आंसर लाइज विद इन दोनों 2012 फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई। 2013 में उन्हें ड्रामा कई पहुंचे और शायद में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अभिनय के साथ सफलता मिली। बाद में वह वकील सईद आजामी की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स पुरस्कार मिला। राव करियर क्वीन 2014, अलीगढ़ 2015 और बरेली की बर्फी 2017 में सहायक भूमिकाओं के साथ आगे बढ़ा, जिसमें बाद वाले ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने स्वतंत्र फिल्मों ट्रिप्ड 2016 और न्यूटन 2017 में मुख्य भूमिकाएं निभाई, जिसमें पूर्व ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया और बाद वाले ने उन्हें एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड से दिलाया। राव को उस समय तक की सबसे बड़ी सफलता हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 और 2018 में मिली और थी और वेंग द क्वाइट टाइगर 2021 में उनकी पहली अंग्रेजी फिल्म भूमिका थी। लूडो 2020, मोनिका ओ माई डार्लिंग 2022 और भेड़ 2023 में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए और अधिक प्रशंसा मिली। खराब प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में से एक श्रृंखला के बाद उन्होंने 2024 में बायोपिक श्रीकांत में शीर्षक भूमिका निभाकर और सिक्सुअल स्त्री 2 में अपनी भूमिका को दोहराकर व्यावसायिक सफलता हासिल की, जिसमें से वे बाद वाली उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज के रूप में शुमार थी और रात का विवाह अभिनेत्री पत्रलेखा पॉल से हुआ था। उन्होंने राजकुमार राव का जन्म राजकुमार राव आदव के रूप में इसे 31 अगस्त 1984 को प्रेमनगर गुड़गांव हरियाणा भारत में हुआ था। उनके विस्तारित परिवार में उनके 2 बड़े भाई बहन और 3 चचेरे भाई थे। उनके पिता सत्य प्रकाश आदव हरियाणा राजस्व विभाग में एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी माँ कमलेश यादव एक गृहिणी थी। उनकी माँ और पिता की मृत्यु क्रमशः 2016 और 2019 में हुई थी। उन्होंने SN सिद्धार्थेश्वर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में अपनी 12वीं की पढ़ाई की पूरी की, जहां उन्होंने स्कूल में नाटकों में भाग लिया। उन्होंने आत्मराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की, जहां वे एक साथ शिक्षित थिएटर ग्रुप और दिल्ली में श्री राम सेंटर के साथ थिएटर कर रहे थे।
राव ने कहा कि उन्होंने मनोज बाजपेयी को देखने और उनके प्रदर्शन से काफ़ी प्रभावित होने के बाद वो अभिनेता बनने फैसला किया। उन्होंने 2008 में उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में 2 साल के अभिनय पाठ्यक्रम में दाखिला लिया और फिल्मी करियर बनने के लिए मुंबई चले गए। राव सहकारी और उन्होंने 2014 में अपना उपनाम यादव से बदलकर राव कर लिया गया और अपने नाम से एक अतिरिक्त MD भी जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका कारण यह था कि राव या यादव में दोनों में से कोई भी उपनाम इस्तेमाल कर सकता हूं क्योंकि दोनों ही परिवार नाम, जहां तक कि अपने नाम में दोहरे M की बात की, या मेरी माँ के लिए वह अंकशास्त्र में विश्वास करती है। उन्होंने औपचारिक रूप से ताइवान्डो की प्रशिक्षण लिया और राव 2010 से अभिनेत्री पत्रलेखा पॉल के साथ रिश्ते में थे। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ में उनसे शादी की थी और 2008 में उन्हें FTII स्नातक होने के बाद राव ने अगला साल स्टूडियो में जाकर और कास्टिंग निर्देशकों से मिलते हुए बताया कि उन्होंने राम गोपाल वर्मा की 2010 की राजनीतिक थ्रिलर रन में एक समाचार पाठक के रूप में एक छोटी बिना सिरे की उपस्थिति दर्ज की अखबार के विज्ञापन में पढ़ने के बाद जिसमें उल्लेख किया गया था कि दिवाकर बनर्जी अपनी फाउंड फुटेज एंथोलॉजी फिल्म लव सक्सेस और धोखा 2010 के लिए नए लोगों की तलाश कर रहे थे। उन्होंने फिल्म के लिए ऑडिशन को और उनका यह चयन हो गया था। फिल्म में 3 कहानियों राव दूसरी कहानी में नेहा चौहान के साथ दिखाई देते हैं। उन्होंने आदर्श का किरदार निभाया जो एक सुपरमार्केट सुपरवाइजर है जो एक कर्मचारी को अपने साथ सोने के लिए मजबूर करता है ताकि वह स्क्रिप्ट को छिपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड कर सके और बच सके। अपनी पहली फिल्म की सफलता के बाद निर्माता एकता कपूर ने राव को फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म रागिनी SMS के द्वारा मुख्य भूमिका की पेशकश की। वह शुरू में इसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि वह उनके पिछले काम के समान लग रहा था, लेकिन उन्होंने कास्टिंग निर्देशक अतुल मंगिया के आग्रह पर एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और प्रतिकूल आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उनकी अगली रिलीज विजय नाम्बियार की क्राइम थ्रिलर शैतान 2011 थी जिसमें उन्होंने एक घिनौने पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। राजा सेन जो फिल्म के आलोचक थे ने राव के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उन्हें विश्वसनीय रूप से भयानक कहा गया और निर्देशक अनुराग कश्यप ने लव सक्सेस और धोखा में राव के प्रदर्शन को पसंद किया था और उन्हें गैंग ऑफ वासुपुर भाग 2 में कास्ट किया गया था जो उनकी अपराध फिल्म गैंग ऑफ वासुपुर भाग 1 को अनुवर्ती था। उन्होंने शमशाद आलम की सहायक भूमिका निभाई जिसके लिए उन्होंने अपने उच्चारण और चरित्र के सही करने के लिए उन्हें वासुपुर का दौरा किया गया। फिल्म का आलोचनात्मक और वित्तीय सफलता थी। उनकी अगली भूमिका वेदव्रत पेन और ऐतिहासिक नाटक चटगांव 2012 में स्वतंत्रता कार्यकर्ता लोकनाथ बल की थी जो चटगांव शास्त्रागार छापे पर आधारित थी। वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज रीमा कागती को सस्पेंस थ्रिलर तलाश द आंसर लाइज विदिन थी और आमिर खान, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शेरनाज पटेल अभिनीत इस फिल्म को दुनिया भर में 1.74 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह साल की 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। राजीव मंसद ने टिप्पणी की कि सिर्फ एक दृश्य में राव ने दिखाया कि अच्छा अभिनेता एक छोटे से हिस्से में भी क्या ला सकता है। अभिषेक कपूर की सामाजिक ड्रामा फिल्म काई पोचे 2013 राव की 2013 में पहली फिल्म थी। सुशांत सिंह राजपूत और अमित साध द्वारा सह अभिनीत यह फिल्म चेतन भगत की 2008 के उपन्यास द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित है। यह फिल्म भारत में 22 फरवरी 2013 को रिलीज हुई थी और इसे मुख्य भूमिकाओं के लिए प्रशंसा के साथ साथ आलोचकों को भी प्रशंसा मिली। डेक्कन हेराल्ड की शिल्पा जामखंडीकर ने महसूस किया कि वे राव ने अलग हटकर भूमिका निभाई और खूबसूरती से भूमिका निभाई। राव को फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। 2013 में वह हंसल मेहता द्वारा निर्देशित जीवनी
पर आधारित ड्रामा शहीद में भी दिखाई दी, जहां उन्होंने दिवंगत वकील शाहिद आजमी की शीर्षक भूमिका निभाई और भूमिका तैयारी के लिए राव ने आजमी के परिवार से मुलाकात की और उनके साथ समय बिताई ताकि वे उस व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व को समझ सके। उन्होंने कुरान का भी अध्ययन किया और यह समझने के लिए कोर्ट रूम में भाग लिया और वकील कि कैसे व्यवहार करते हैं वह भी उन्होंने सीखा। राव ने कहा कि भावनात्मक रूप से थक गए थे क्योंकि चरित्र चुनौतीपूर्ण और जटिल था। फिल्म और उनके प्रदर्शन इसलिए रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को राव की जीत का उनसे शाहिद में ताकत पीड़ा और नियंत्रित गुस्से के और उन्होंने इस फिल्म में कई प्रकार की अन्य भूमिका निभाई थी जो उनकी अन्य 2013 रिलीज कॉमेडी फिल्म बॉयज तो बॉयज थी और 2013 में राव ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म के लिए 2013 में राव ने कॉमेडी ड्रामा क्वीन एक चालक मंगेतर की सहायक भूमिका निभाई। फिल्म का विश्व प्रीमियर बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था और इसे 7 मार्च 2014 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 970 मिलियन की कमाई की। एनडीटीवी की सबिल चटर्जी ने कहा कि राव घृणित रूढ़िवादी शहरी व्यक्ति की अपनी व्याख्या पर उल्लेखनीय संयम लाते हैं जो अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता। उसी वर्ष उन्होंने श्लोका शर्मा द्वारा निर्देशित बॉम्ब मिरर नामक एक लघु फिल्म में विजय मौर्य के साथ अभिनय किया। उन्होंने मेहता के साथ उनकी ड्रामा फिल्म सिटी लाइट्स में उनके सहयोग किया गया। पत्रलेखा पॉल की सह कलाकार फिल्म राजस्थान के लिए गरीब किसान परिवार की कहानी बताती है जो आजीविका की तलाश में मुंबई आता है। भूमिका की तैयारी के लिए राव के एक महीने के लिए राजस्थान की पाली जिले के छोटे शहर के सादरी में रहे पूछ मूछें बढ़ाई गई और बोली से अच्छी तरह से वाफिक की प्रशंसा। हिंदुस्तान टाइम्स की सविता कौशल ने लिखा है कि वह सहजता से भूमिका में ढल जाती है। यह एक मध्यम सफलता फिल्म स्त्री टू फिल्म की शुरुआत की बात कीजिए, यह पिछली किस्त की अंतिम दृश्य से होती है और जहां स्त्री चंद्री फिर से प्रवेश करने वाली होती है वह शहर के प्रवेश द्वार खुद की एक मूर्ति देखती है जिस पर लिखा है कि वो स्त्री रक्षा करना ये नारी हमारी रक्षा करो और वहां से जाने का फैसला करती है। सालों बाद चंद्री को एक नए खतरे का सामना करना पड़ता है, सरकटा नामक एक सिरहीन भूत जो रात में महिलाओं का अपहरण करता है और उन्हें एक दुख स्वप्न वैकल्पिक आयाम ले जाता है और उन्हें उपस्थिति अनजान शहरवासी गलती से मान लेते हैं कि लापता महिलाएं बेहतर संभावनाओं के लिए चली गई है। विक्की अभी भी बिना नाम वाली लड़की से प्यार करता है जिसे सी के रूप से श्रेय दिया जाता है, अक्सर उसे अपने सामने प्रकट होने की कल्पना करता है। इस बीच रुद्र को एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें चंद्री पुराण के गुम हुए पृष्ठ और एक गुप्त संदेह होता है। वह आएगा। एक रात बिट्टू की प्रेमिका चिट्टी को सरकटा ले जाता है। अपहरण का गवाह एक नशेड़ी भिखारी भूत के अस्तित्व की पुष्टि करता है। विक्की बिट्टू और रुद्र चंदेरी पुराण के फटे पन्नों की जांच करते हैं और सरकटा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सरकटा चंद्रवान की प्रतिशोधी आत्मा है जो एक पूर्व ग्राम प्रधान है जिसने स्त्री नामक एक वेश्या की हत्या कर दी थी। उसके पति का सिर काटकर उसे जिंदा जला दिया था। चंदेरी से स्त्री के जाने की बाद सरकटा प्रतिशील महिलाओं को निशाना बनाने के लिए वापस आ गई और सरकटा को हराने के लिए उन्हें स्त्री की मदद की जरूरत है। यह महसूस करते हुए दोस्त दिल्ली में जाना की तलाश करते हुए जो कभी स्त्री के कब्जे में थी अपने चचेरे भाई भास्कर के साथ रह रहे जाना को उसने उनके द्वारा एक मंच नाटक के बहाने चंदेरी वापस बुलाया है और उसे, लेकिन जब उसे असली कारण पता चलता है कि तब वह अनिच्छा से सहायता करने के लिए सहमत होता है। पुराने किले में स्त्री की खोज करते समय सरकटा हमला करता है कि और लगभग जाना को मार डालता है जिसे वैकल्पिक आयाम के दर्शन होते हैं जहां अपहृत महिलाओं को बंदी बनाकर रखा जाता है। जाना को मरा हुआ मानकर जब वह पुनर्जीवित होता है तो समूह चौंक जाता है और वे सरकटा का पीछा करते हुए किले के से बाल बाल बच निकलते हैं जिससे
ही सरकटा शहर में आतंक मचाती तो वह फिर से प्रकट होती और स्त्री के बालों से जुड़ी चोटी को शक्तियों का उपयोग करके सरकटा से लड़कर समूह को बचाती और डर में जी रही शहर की महिला विक्की को स्त्री को हराने का दोषी ठहराती। वे विक्की पर नए खतरे की जिम्मेदारी लेने का दबाव डालते हैं और वह उसे समझाती है कि उसकी शुद्ध आत्मा उसे इस कार्य के लिए सही व्यक्ति बनाती है और वह विक्की को एक जादुई खंजर देती और उसे सरकटा का सिर आधा काटने के लिए इसका इस्तेमाल करने का निर्देश देती है। सरकटा को फंसाने के लिए समूह समारुद्ध की प्रेमिका द्वारा एक नृत्य प्रदर्शन आयोजन करता है। प्रदर्शन के दौरान सरकटा प्रकट होता है लेकिन विक्की उसका सिर काटने में विफल रहता है। सरकटा तब विक्की रुद्र और जाना को छोड़कर मौजूद सभी पुरुषों को अपने वश में कर लेती है और इसके बाद सरकटा सामा को अपहरण कर लेती है और बिट्टू सहित वश में किए गए पुरुष शहरी की महिलाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। समाधान की तलाश में वह गुमनाम पत्र से मिले सुराग के अनुसार। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्री टू फिल्म के बारे में। स्त्री टू फिल्म के बारे में बात की जाए, यह फिल्म 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है। यह मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स पांचवी किस्त और स्त्री 2018 की अगली कड़ी के रूप में कार्य करती है। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना है। कहानी दोस्तों के एक समूह का अनुसरण करती है जिन्हें चंदेरी की महिलाओं को अपहरण करने वाली एक दुष्ट इकाई को हराना होगा। इस फिल्म में कौशिक ने पहली बार अक्टूबर 2018 में स्त्री सेक्सुअल को विकसित करने में रुचि व्यक्त की थी। फरवरी 2022 तक राव ने पुष्टि किया कि परियोजना विकास में, हालांकि मूल लेखक और निर्माता राज और डीके अब इसमें शामिल नहीं और इन्होंने फ्रेंचाइजी के अधिकारों को लेकर विवाद पर निर्माता दिनेश विजयन के साथ अलग हो गए थे। नतीजन भट्ट ने लेखक के रूप में पदभार संभाला। सेक्सुअल की अधिकारी घोषणा विजयन और ज्योतिषी देशपांडे ने अप्रैल 2023 में की थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी वर्ष जुलाई में शुरू हुई जो मुख्य रूप से चंदेरी और बिहार में हुई और 2024 के मध्य तक समाप्त हो गई। फिल्म में सचिन जीगर द्वारा रचित और एक संगीत स्कोर जिसमें जस्टिन वर्गीस और यास फिल्म अतिरिक्त के प्रकार की और इन्होंने इस फिल्म में 2023 की थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी वर्ष जुलाई शुरू में हुई थी और मुख्य रूप से चंदेरी और बिहार में हुई थी और 2024 के मध्य तक समाप्त हो गई। फिल्म में सचिन जीगर द्वारा रचित एक संगीत स्कोर जिसमें जस्टिन वर्गीस का अतिरिक्त स्कोरिंग छायांकन जिष्णु भट्टाचार्यजी द्वारा किया गया था और संपादन हेमंती सरकार द्वारा संभाला गया था। स्त्री टू को 15 अगस्त 2024 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म ने दुनिया भर में इसे 792 करोड़ से अधिक कमाई की है और सारी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और साथ ही यह अब तक की 7वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और 11वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इस फिल्म में राजकुमार राव 31 अगस्त 1984 एक भारतीय अभिनेता जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2010 में अब तक की 30 से अधिक फिल्मों में काम किया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है। 2017 में वह फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी की सह सूची में शामिल हुए और उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद राव ने एंथोलॉजी फिल्म लव सक्सेस और धोखा 2010 अपने अभिनय की शुरुआत की और गैंग ऑफ वासुपुर भाग 2 और तलाश द आंसर लाइज विद इन दोनों 2012 फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई। 2013 में उन्हें ड्रामा कई पहुंचे और शायद में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अभिनय के साथ सफलता मिली। बाद में वह वकील सईद आजामी की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स पुरस्कार मिला। राव करियर क्वीन 2014, अलीगढ़ 2015 और बरेली की बर्फी 2017 में सहायक भूमिकाओं के साथ आगे बढ़ा जिसमें बाद वाले ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने स्वतंत्र फिल्मों ट्रिप्ड 2016 और न्यूटन 2017 में मुख्य भूमिकाएं निभाई जिसमें पूर्व ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया और बाद वाले ने उन्हें एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड से दिलाया। राव को उस समय तक
की सबसे बड़ी सफलता हॉरर कॉमेडी स्त्री टू और 2018 में मिली और थी और वेंक द क्वाइट टाइगर 2021 में उनकी पहली अंग्रेजी फिल्म भूमिका थी। लूडो 2020, मोनिका ओ माई डार्लिंग 2022 और भेड़ 2023 में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए और अधिक प्रशंसा मिली। खराब प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में से एक श्रृंखला के बाद उन्होंने 2024 में बायोपिक श्रीकांत में शीर्षक भूमिका निभाकर और सेक्सुअल स्त्री टू में अपनी भूमिका को दोहरा कर व्यावसायिक सफलता हासिल की, जिसमें से वे बाद वाली उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज के रूप में शुमार थी। और रात का विवाह अभिनेत्री पत्रलेखा पॉल से हुआ था। उन्होंने राजकुमार राव का जन्म राजकुमार राव यादव के रूप में इसे 31 अगस्त 1984 को प्रेमनगर गुड़गांव हरियाणा भारत में हुआ था। उनके विस्तारित परिवार में उनके दो बड़े भाई बहन और तीन चचेरे भाई थे। उनके पिता सत्य प्रकाश यादव हरियाणा राजस्व विभाग में एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी माँ कमलेश यादव एक गृहिणी थी। उनकी माँ और पिता की मृत्यु क्रमशः 2016 और 2019 में हुई थी। उन्होंने एसएन सिद्धार्थेश्वर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में अपनी 12वीं की पढ़ाई की पूरी की, जहां उन्होंने स्कूल में नाटकों में भाग लिया। उन्होंने आत्मराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वे एक साथ शिक्षित थिएटर ग्रुप और दिल्ली में श्री राम सेंटर के साथ थिएटर कर रहे थे। राव ने कहा कि उन्होंने मनोज बाजपेयी को देखने और उनके प्रदर्शन से काफ़ी प्रभावित होने के बाद वो अभिनेता बनने फैसला किया। उन्होंने 2008 में उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में 2 साल के अभिनय पाठ्यक्रम में दाखिला लिया और फिल्मी करियर बनने के लिए मुंबई चले गए। राव शाकाहारी और उन्होंने 2014 में अपना उपनाम यादव से बदलकर राव कर लिया गया और अपने नाम से एक अतिरिक्त MD भी जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि इसका कारण यह था कि राव या यादव में दोनों में से कोई भी उपनाम इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ही परिवार नाम, जहां तक कि अपने नाम में दोहरे M की बात की, या मेरी माँ के लिए वह अंकशास्त्र में विश्वास करती है। उन्होंने औपचारिक रूप से ताइवान्डो की प्रशिक्षण लिया और राव 2010 से अभिनेत्री पत्रलेखा पॉल के साथ रिश्ते में थे। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ में उनसे शादी की थी और 2008 में उन्हें FTII स्नातक होने के बाद राव ने अगला साल स्टूडियो में जाकर और कास्टिंग निर्देशकों से मिलते हुए बताया कि उन्होंने राम गोपाल वर्मा की 2010 की राजनीतिक थ्रिलर रन में एक समाचार पाठक के रूप में एक छोटी बिना सिरे की उपस्थिति दर्ज की अखबार के विज्ञापन में पढ़ने के बाद जिसमें उल्लेख किया गया था कि दिवाकर बनर्जी अपनी फाउंड फुटेज एंथोलॉजी फिल्म लव सक्सेस और धोखा 2010 के लिए नए लोगों की तलाश कर रहे थे। उन्होंने फिल्म के लिए ऑडिशन को और उनका यह चयन हो गया था। फिल्म में तीन कहानियों राव दूसरी कहानी में नेहा चौहान के साथ दिखाई देते हैं। उन्होंने आदर्श का किरदार निभाया, जो एक सुपरमार्केट सुपरवाइजर है जो एक कर्मचारी को अपने साथ सोने के लिए मजबूर करता है ताकि वह स्क्रिप्ट को छिपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड कर सके और बच सके। अपनी पहली फिल्म की सफलता के बाद निर्माता एकता कपूर ने राव को फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म रागिनी SMS के द्वारा मुख्य भूमिका की पेशकश की। वह शुरू में इसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि वह उनके पिछले काम के समान लग रहा था, लेकिन उन्होंने कास्टिंग निर्देशक अतुल मंगिया के आग्रह पर एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और प्रतिकूल आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उनकी अगली रिलीज विजय नाम्बियार की क्राइम थ्रिलर शैतान 2011 थी, जिसमें उन्होंने एक घिनौने पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। राजा सेन जो फिल्म के आलोचक थे ने राव के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उन्हें विश्वसनीय रूप से भयानक कहा गया और निर्देशक अनुराग कश्यप ने लव सक्सेस और धोखा में राव के प्रदर्शन को पसंद किया था और उन्हें गैंग ऑफ वासुपुर भाग 2 में कास्ट किया गया था, जो उनकी अपराध फिल्म गैंग ऑफ वासुपुर भाग 1 को अनुवर्ती था। उन्होंने शमशाद आलम की सहायक भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने अपने उच्चारण और चरित्र की सही करने के लिए उन्हें वासुपुर का दौरा किया गया। फिल्म का आलोचनात्मक और वित्तीय सफलता थी। उनकी अगली भूमिका बेदवर्त पेन और ऐतिहासिक नाटक चटगांव 2012 में स्वतंत्रता कार्यकर्ता लोकनाथ बल की थी, जो चटगांव शास्त्रागार छापे पर
आधारित थी। वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज रीमा कागती को सस्पेंस थ्रिलर तलाश द आंसर लाइज विदिन थी और आमिर खान, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शेरनाज पटेल अभिनीत इस फिल्म को दुनिया भर में 1.74 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह साल की 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। राजीव मंसद ने टिप्पणी की कि सिर्फ एक दृश्य में राव ने दिखाया कि अच्छा अभिनेता एक छोटे से हिस्से में भी क्या ला सकता है। अभिषेक कपूर की सामाजिक ड्रामा फिल्म काई पोचे 2013 राव की 2013 में पहली फिल्म थी। सुशांत सिंह राजपूत और अमित साध द्वारा सह अभिनीत यह फिल्म चेतन भगत की गुजरात के उपन्यास द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित है। यह फिल्म भारत में 22 फरवरी 2013 को रिलीज हुई थी और इसे मुख्य भूमिकाओं के लिए प्रशंसा के साथ साथ आलोचकों को भी प्रशंसा मिली। डेक्कन हेराल्ड की शिल्पा जामखंडीकर ने महसूस किया कि वे राव ने अलग हटकर भूमिका निभाई और खूबसूरती से भूमिका निभाई। राव को फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। 2013 में वह हंसल मेहता द्वारा निर्देशित जीवनी पर आधारित ड्रामा शहीद में भी दिखाई दी, जहां उन्होंने दिवंगत वकील शहीद आजमी की शीर्षक भूमिका निभाई और भूमिका तैयारी के लिए राव ने आजमी के परिवार से मुलाकात की और उनके साथ समय बिताई ताकि वे उस व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व को समझ सके। उन्होंने कुरान का भी अध्ययन किया और यह समझने के लिए कोर्ट रूम में भाग लिया और वकील कि कैसे व्यवहार करते हैं वह भी उन्होंने सीखा। राव ने कहा कि भावनात्मक रूप से थक गए थे क्योंकि चरित्र चुनौतीपूर्ण और जटिल था। फिल्म और उनके प्रदर्शन इसलिए रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को राव की जीत का उनसे शाहिद में ताकत, पीड़ा और नियंत्रित गुस्से के और उन्होंने इस फिल्म में कई प्रकार की अन्य भूमिका निभाई थी जो उनकी अन्य 2013 रिलीज कॉमेडी फिल्म बॉयज तो बॉयज थी और 2013 में राव ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म के लिए 2013 में राव ने कॉमेडी ड्रामा क्वीन एक चालक मंगेतर की सहायक भूमिका निभाई। फिल्म का विश्व प्रीमियर बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था और इसे 7 मार्च 2014 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 970 मिलियन की कमाई की। एनडीटीवी की सबिल चटर्जी ने कहा कि राव घृणित रूढ़िवादी शहरी व्यक्ति की अपनी व्याख्या पर उल्लेखनीय संयम लाते हैं जो अपनी नाक से आगे नहीं देख सकता। उसी वर्ष उन्होंने श्लोखा शर्मा द्वारा निर्देशित बॉम्ब मिरर नामक एक लघु फिल्म में विजय मौर्य के साथ अभिनय किया। उन्होंने मेहता के साथ उनकी ड्रामा फिल्म सिटी लाइट्स में उनके सहयोग किया गया। पत्रलेखा पॉल की सह कलाकार फिल्म राजस्थान के लिए गरीब किसान परिवार की कहानी बताती है जो आजीविका की तलाश में मुंबई आता है। भूमिका की तैयारी के लिए राव के एक महीने के लिए राजस्थान की पाली जिले के छोटे शहर के सादरी में रहे पूछ मूछें बढ़ाई गई और बोली से अच्छी तरह से वाफिक की प्रशंसा। हिंदुस्तान टाइम्स की सविता कौशल ने लिखा है कि वह सहजता से भूमिका में ढल जाती है। यह एक मध्यम सफलता फिल्म स्त्री टू फिल्म की शुरुआत की बात कीजिए यह पिछली किस्त की अंतिम दृश्य से होती है और जहां स्त्री चंद्री फिर से प्रवेश करने वाली होती है वह शहर के प्रवेश द्वार खुद की एक मूर्ति देखती है जिस पर लिखा है कि वो स्त्री रक्षा करना ये नारी हमारी रक्षा करो और वहां से जाने का फैसला करती है। सालों बाद चंद्री को एक नए खतरे का सामना करना पड़ता है। सरकटा नामक एक सिरहीन भूत जो रात में महिलाओं का अपहरण करता है और उन्हें एक दुख स्वप्न वैकल्पिक आयाम ले जाता है और उन्हें उपस्थिति अनजान शहरवासी गलती से मान लेते हैं कि लापता महिलाएं बेहतर संभावनाओं के लिए चली गई है। विक्की अभी भी बिना नाम वाली लड़की से प्यार करता है जिसे सी के रूप से श्रेय दिया जाता है, अक्सर उसे अपने सामने प्रकट होने की कल्पना करता है। इस बीच रुद्र को एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें चंद्री पुराण के गुम हुए पृष्ठ और एक गुप्त संदेश
डे होता है वो आएगा, वह आएगा। एक रात बिट्टू की प्रेमिका चिट्टी को सरकटा ले जाता है। अपहरण का गवाह एक नशेड़ी भिखारी भूत के अस्तित्व की पुष्टि करता है। विक्की बिट्टू और रुद्र चंदेरी पुराण के फटे पन्नों की जांच करते हैं और सरकटा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सरकटा चंद्रबान की प्रतिशोधी आत्मा है, जो एक पूर्व ग्राम प्रधान है जिसने स्त्री नामक एक वेश्या की हत्या कर दी थी। उसके पति का सिर काटकर उसे जिंदा जला दिया था। चंदेरी से स्त्री के जाने के बाद सरकटा प्रतिशील महिलाओं को निशाना बनाने के लिए वापस आ गई और सरकटा को हराने के लिए उन्हें स्त्री की मदद की जरूरत है। यह महसूस करते हुए दोस्त दिल्ली में जाना की तलाश करते हुए, जो कभी स्त्री के कब्जे में थी, अपने चचेरे भाई भास्कर के साथ रह रहे जाना को उसने उनके द्वारा एक मंच नाटक के बहाने चंदेरी वापस बुलाया है और उसे, लेकिन जब उसे असली कारण पता चलता है कि तब वह उस वह अनिच्छा से सहायता करने के लिए सहमत होता है। पुराने किले में स्त्री की खोज करते समय सरकटा हमला करता है कि और लगभग जाना को मार डालता है, जिसे वैकल्पिक आयाम के दर्शन होते हैं जहां अपहृत महिलाओं को बंदी बनाकर रखा जाता है। जाना को मरा हुआ मानकर जब वह पुनर्जीवित होता है तो समूह चौंक जाता है और वे सरकटा का पीछा करते हुए किले के से बाल बाल बच निकलते हैं। जिससे ही सरकटा शहर में आतंक मचाती तो वह फिर से प्रकट होती और स्त्री के बालों से जुड़ी चोटी को शक्तियों का उपयोग करके सरकटा से लड़कर समूह को बचाती है। डर में जी रही शहर की महिला विक्की को स्त्री को हराने का दोषी ठहराती हुए विक्की पर नए खतरे की जिम्मेदारी लेने का दबाव डालते हैं और वह उसे समझाती है कि उसकी शुद्ध आत्मा उसे इस कार्य के लिए सही व्यक्ति बनाती है और वह विक्की को एक जादुई खंजर देती है और उसे सरकटा का सिर आधा काटने के लिए इसका इस्तेमाल करने का निर्देश देती है। सरकटा को फंसाने के लिए समूह समारुद्ध की प्रेमिका द्वारा एक नृत्य प्रदर्शन आयोजन करता है। प्रदर्शन के दौरान सरकटा प्रकट होता है लेकिन विक्की उसका सिर काटने में विफल रहता है। सरकटा तब विक्की रुद्र और जाना को छोड़कर मौजूद सभी पुरुषों को अपने वश में कर लेती है और इसके बाद सरकटा सामा को अपहरण कर लेती है और बिट्टू सहित वश में किए गए पुरुष शहरी की महिलाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। समाधान की तलाश में वह गुमनाम पत्र से मिले सुराग के